आज हम आपको गुरुजी की अरेबिक यात्रा की पहली साखी दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले कि साखी शुरू हो, आइए हम यह देखते हैं कि इन साखियों का आधार क्या है। मुश्ताक हुसैन मुजफ्फर हुसैन के बेटे थे, जो कश्मीर के मीरपुर शहर से संबंध रखते थे। पिता पुत्र ने 1927 से 1930 के बीच में हज की यात्रा की थी। हज की यात्रा के साथ मुश्ताक हुसैन के पिता यह चाहते थे कि उनका पुत्र मक्का मदीना में इस्लामिक उच्च शिक्षा प्राप्त करे। मदीना में शोध करते हुए वहीं के एक पुस्तकालय से उन्हें एक पुस्तक मिली और उस पुस्तक का नाम था सिहातो बाबा नानक फकीर। इस पुस्तक के लेखक ताजुद्दीन उन नक्शाबंदी थे और उन्होंने इसे अरेबिक और पर्शियन में लिखा है। ताजुद्दीन श्री गुरु नानक देव जी के हमराही थे। उनलास नामक स्थान जो बगदाद और इरार के बीच में है, एक समय गुरुजी वहां की यात्रा पर गए थे। जब ताजुद्दीन गुरुजी की यात्रा में उनके संग थे, उस समय वह अपने साथ एक डायरी रखते थे और उसमें हो रहे दिन प्रतिदिन की घटना क्रियाओं को लिखते थे और उस डायरी का नाम था सिहातो बाबा नानक फकीर, जिसे बाद में उन्होंने मदीना के पुस्तकालय में जमा करा दिया था। यह सभी साखियाँ इसी पुस्तक पर आधारित हैं। इसमें बताई गई कई घटनाओं का विवरण जन्म साखियों में भी मिलता है। आइए हमारे साथ देखिए श्री गुरु नानक देव जी की अरब यात्राओं की साखियाँ। ताजुद्दीन ईरान के पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे थे। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा एक फकीर जो भारतीय लग रहे थे, बड़ी शांति से बैठे थे। उन्हीं के साथ एक और व्यक्ति बैठे थे जो रबाब बजा रहे थे। उस फकीर के माथे पर दिव्य चमक थी और वह दिल को और आत्मा को शांति देने वाले ईश्वर के लिए गाना गा रहे थे। ताजुद्दीन उन फकीर से बोले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मन तो कर रहा है यहाँ थोड़ी देर बैठूं, पर नमाज के लिए बहुत देर हो रही है, अभी तो चलता हूँ। ऐसा कहकर ताजुद्दीन वहाँ से निकलने लगे। तभी गुरुजी ने ताजुद्दीन से कहा, पाश्तो किन्हन, जिसका अर्थ था बैठ जाओ। ताजुद्दीन वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वह उठकर जाने लगे। गुरुजी फिर से बोले, वाले ता जाओ किन्हन, अर्थात कहाँ जा रहे हो, यहीं बैठो। हजरात, यह हमारा नमाज पढ़ने का समय है, मैं पानी ढूंढ रहा हूँ ताकि स्वच्छ होकर नमाज पढ़ सकूँ। ओ अल्लाह के बंदे, ईश्वर की दया पर शंका नहीं करते, तुम यहीं पर भरपूर पानी पाओगे। गुरुजी की वाणी से ताजुद्दीन इतने प्रभावित हुए कि वे वहीं बैठ गए और वह अपनी नमाज तक पढ़ना भूल गए। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह गुरुजी के सामने उनके लिए नमाज पढ़ रहे हो। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे साथी नमाजी इंतजार कर रहे होंगे। गुरुजी ने भाई मर्दाना को ताजुद्दीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मर्दाना जी, इस भाई को नमाज पढ़ने के लिए पानी चाहिए, इन्हें पानी दे दो। गुरुजी, मैं तो खुद पानी पीने की सोच रहा था, मुझे भी प्यास लगी है, आपकी भक्ति में दखल ना पड़े इसलिए मैंने आपको ईश्वर के सिमरन के समय कुछ नहीं कहा, परंतु मेरी नजर भी पानी ढूंढ रही थी, कृपया करके हमें पानी दे, मैं भी प्यास से तड़प रहा हूँ। गुरुजी ने आसमान की तरफ देखा और कुछ शब्द मुस्कुराते हुए कहे, ओ मर्दाना जी, तुम ईश्वर के कवि हो, इस धरती ने ईश्वर का गुणगान तुम्हारे द्वारा सुना है, कोई शक नहीं है, यह धरती तुम्हें जरूर पानी देगी, यह लो मेरी छड़ी और उस पत्थर को हटाओ, ईश्वर दया करेंगे। भाई मर्दाना ने पत्थर हटाने के लिए गुरुजी की छड़ी का इस्तेमाल किया। तभी वहां पानी का चश्मा निकल आया। पानी ताजुद्दीन और भाई मर्दाना की ओर से बहता हुआ वहां पहुंचा जहां गुरुजी के चरण थे। पानी ने गुरुजी के चरणों को छुआ और वापस उसी स्थान पर बहने लगा जहां से वह निकला था। थोड़ी देर में जहां से पानी निकला था वहां पानी का कुंड बन गया।
गुरुजी की कृपा देख ताजुद्दीन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। गुरुजी बोले, अपनी नमाज पढ़ो। ताजुद्दीन ने नमाज पढ़ी। पीर, आप भी आए और नमाज पढ़े। गुरुजी ने ताजुद्दीन से बोला, लोग गलतफहमियों में जी रहे हैं, इन्हीं गलतफहमियों की वजह से वे भटक गए हैं। सच्चाई यह है कि मैं अपनी नमाज मक्का अरेबिया में पढ़ूंगा। हजरत, सूरज ढल रहा है, ज्यादा वक्त नहीं बचा। मक्का तो यहाँ से हजारों मील दूर है, अभी वहाँ नहीं जाया जा सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने यह क्यों कहा कि आप नमाज मक्का में पढ़ेंगे। ताजुद्दीन अभी गुरुजी के जवाब का इंतजार कर ही रहे थे कि गुरुजी के चेहरे पर एक दिव्य रोशनी दिखने लगी। ऐसा मालूम हुआ मानो हजारों रोशनियां उनकी ओर आ गई हों। ताजुद्दीन ने अपनी आंखें रोशनी की चमक के कारण बंद कर ली। थोड़ी देर के पश्चात किसी ने ताजुद्दीन को झकझोरा। मैं कहां हूं? गुरुजी, भाई मर्दाना और ताजुद्दीन अक्सा मस्जिद में अरेबिया के सबसे बड़े शहर बैतुल मुकद्दस में आ पहुंचे थे। गुरुजी ताजुद्दीन के साथ खड़े थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लगता था मानो गुरुजी की मुस्कान ताजुद्दीन के उस प्रश्न के कारण थी जिसमें उन्होंने कहा था, अरेबिया तो बहुत दूर है और इतने कम समय में असर नमाज न पहुंचने के कारण पूरी नहीं हो सकती है। इस्लाम में अल्लाह की पूजा या सजदा करने के मुख्य पांच वक्त हैं। शाम की नमाज को असर नमाज कहा जाता है। अक्सा वह शहर है जिस स्थान पर मुस्लिम विश्वास करते हैं कि जीसस आएंगे और दैजल का विनाश करेंगे। दैजल जो कि माना जाता है कि एक बहरूपिया मसीहा है। बैतुल मुकद्दस शहर की स्थापना हजरत डेविड नामक संत या नबी ने की थी। इस स्थान का इस्लाम में एक मुख्य स्थान है। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। सलाम वालेकुम। सभी लोग गुरुजी को नमस्कार या ऐसा अभिनंदन कर रहे थे मानो वो सब गुरुजी को बहुत पहले से जानते थे। गुरुजी हर किसी को जवाब देते हुए कह रहे थे, करतार भले करेंगे। ताजुद्दीन लिखते हैं कि बाद में मुझे मालूम हुआ कि करतार का क्या अर्थ है। करतार अल्लाह का ही एक नाम है। गुरुजी वहाँ एक कब्रिस्तान में 3 दिन रहे। वहाँ सभी लोग करतार शब्द का प्रयोग कर रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि मानो सभी और करतार का नाम गूंज रहा हो। ताजुद्दीन यह देखकर हैरान हो रहे थे कि सभी लोग गुरुजी से ऐसे मिल रहे हैं मानो वे उन्हें कब से जानते हों। इब्ने वाहिद जो गुरुजी का मुरीद हो चुका था या उनका भक्त बन चुका था, गुरुजी उनका हाथ पकड़कर बोले, इब्ने वाहिद, इस स्थान ने ईश्वर करतार की गूंज सुनी है। यह स्थान अनंत समय तक आबाद रहेगा। तुम यहाँ के रखवाले हो, यहाँ काम संभालते हो। जो तुमने यहाँ देखा है उसे लोगों तक पहुँचाओ। प्रितपाल सिंह जी लिखते हैं कि उस स्थान पर एक बहुत ही भव्य मंदिर मस्जिद की आकृति में बनाया गया, जहाँ आज भी इब्ने वाहिद की वंशज उनका काम आगे बढ़ा रही है। और आज इस स्थान को हुजरा नानक शाह कलंदर के नाम से जाना जाता है। इस शहर की 2 जनजातियां सिब्बी और बद्धू गुरुजी का अनुसरण करती है और जपजी साहिब का पाठ करती है। इब्ने वाहिद को करतार का नाम फैलाने का आदेश देने के पश्चात गुरुजी, भाई मर्दाना व ताजुद्दीन मक्का यात्रा पर निकल गए। काफी दिनों के पश्चात वह सभी शाम के समय काबा पहुंचे। काबा मक्का की एक तरफ बाहर की ओर स्थित है। गुरु नानक देव जी ने काबा की परिक्रमा बड़े ध्यान से की और उसके पश्चात मस्जिद के बाहर सुन्नी पंथ के मुसाला में बैठ गए।
मुसाला उस खाली स्थान को कहते हैं जहां नमाज पढ़ी जाती है। गुरुजी भाई मर्दाना व ताजुद्दीन वहीं बैठ गए और करतार के भजन गाने लगे। सुबह के 3 बज चुके थे। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, ईश्वर का सिमरन मत रोको। इसके पश्चात गुरुजी ने अपना सर काबा के विपरीत दिशा में किया एवं पैरों को काबा की तरफ रखकर सो गए। तहजुद्दीन मन में सोच रहे थे, गुरुजी तो सो चुके हैं और हमें आदेश दिया है कि हम सिमरन करते रहे, उन्होंने हमें सोने की आज्ञा क्यों नहीं दी। यही बात भाई मर्दाना के दिमाग में भी आ रही थी। ताजुद्दीन और भाई मर्दाना यह नहीं जानते थे कि गुरुजी यहाँ इसलिए सोए हैं ताकि लाखों लोगों को नींद से जगा सकें जो भ्रम की नींद में सोए हैं। कुछ समय पश्चात वहाँ का सेवादार, जिसका नाम जन्म साखियों के अनुसार जीवन था, वह झाड़ू लेकर मस्जिद की सफाई करने लगा। सफाई करते करते वह कलमा गा रहा था। अचानक ही उसने देखा एक व्यक्ति सो रहा है और उसके पांव काबा की तरफ हैं। वह बड़े जोर से और ऊंची आवाज में गुरुजी पर चिल्लाया, अल्लाह यह क्या हो रहा है, तुम काफिर हो, तुम अल्लाह के लिए विश्वास नहीं रखते। परंतु अगर हम उसका पक्ष देखें तो वह भी सही था। उसने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था जैसा हो रहा था। जब उसने सभी हदें पार कर दी तो दयालु गुरुजी बैठ गए और बोले, ओ भले आदमी, मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम इतना क्रोधित हो रहे हो और मुझे भला बुरा कह रहे हो, यहाँ तक कि मेरे खिलाफ फतवा निकालने तक की बात कह रहे हो। तुम लोग काफिर हो और काफिरों के लिए एक ही सजा होती है और वह है मौत। तुमने खुदा के घर का तिरस्कार किया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो तुमने क्या गलत किया है। मेरे शब्दों को याद रखना, जब इस बात का पता हमारे काजी को चलेगा वह तुम्हें खंभों से बांधकर तुम लोगों की खाल खिंचवा देंगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या गलत किया है। गुरुजी ने अपनी पूरी कोशिश की उसे समझाने की, परंतु सेवादार पर गुरुजी की किसी बात का फर्क नहीं पड़ा। जब गुरुजी ने देखा कि उनकी किसी बात का उस सेवादार पर असर नहीं पड़ रहा है, वह दोबारा से उसी तरह लेट गए जैसे वह पहले लेटे थे। ताजुद्दीन लिखते हैं कि गुरुजी को दोबारा वैसा ही करते देख वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से की आग में जलता हुआ बोला, पहले मैं यह सोच रहा था कि तुमने जो किया है वह तुम्हारी भूल थी, नादानी थी, परंतु मुझे पता चल चुका है कि तुमने जो मक्का का अनादर किया है वह मेरी भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए किया है। मैं काजी को बुला कर लाऊंगा, अगर तुमने अपने किए हुए गुनाह की माफी नहीं मांगी तो वो तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। करुणा के अवतार सतगुरु बड़े धैर्य से बोले, ओ अल्लाह के आदमी, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया जिससे तुम्हारा दिल दुखे, उल्टा मैं तो तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे पाँव को उस तरफ कर दो जहाँ तुम्हें अल्लाह नहीं दिखते। सेवादार ने तुरंत अपनी झाड़ू फेंकी और गुरुजी के पाँव को पकड़कर घुमाया जिससे कि गुरुजी के पाँव मक्का की ओर से दूसरी ओर हो जाएं। यह अल्लाह का स्थान है, तुम्हें इस स्थान के प्रति आदर दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर वह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी झाड़ू उठाई और वह मस्जिद की सफाई करने लगा। वह सफाई कर रहा था और जोर जोर से कलमा पढ़ रहा था। जब वह दोबारा घूमा तो उसने देखा दोबारा गुरुजी के पांव मक्का की ओर थे। काफिर, तुमने सभी हदें पार कर दी हैं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मेरा व खुदा का मजाक उड़ा रहे हो। वह क्रोधित हुआ और दोबारा से गुरुजी के पांव दूसरी ओर कर दिए। उसने फिर से झाड़ू पकड़ी और सफाई करने लगा, परंतु अब उसे दोबारा गुरुजी के पांव मक्का की ओर ही दिखाई दिए। हद ही हो गई अब तो, अब की बार मैं तुम्हें उस खड्डे में ही फेंक दूंगा। भाई मर्दाना व ताजुद्दीन डर रहे थे कि जीवन कहीं कुछ गलत ना कर दे।
सेवादार जोर जोर से गुरुजी के पांव को घुमाने लगा। सेवादार को यह प्रतीत होने लगा कि जहाँ जहाँ गुरुजी के पांव घूम रहे थे उसी ओर मक्का भी जा रहा था। ताजुद्दीन कहते हैं कि उन्होंने भी तीन बारी यह सब देखा। अब सेवादार भी इस करिश्मे को देख चुका था। वह गुरुजी के पांव में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। ओ अल्लाह के बंदे, मुझे तुम आत्मिक शक्ति दो जिससे मैं तुम्हें पहचान पाऊँ। गुरुजी उठ बैठे और बोले, ईश्वर तुम्हें याद रहे। और इसके बाद वह ध्यान में मग्न हो गए। सेवादार दोबारा गुरुजी के सामने क्षमा मांगने लगा, इस उम्मीद में कि गुरुजी उससे बात करेंगे और वह उनसे क्षमा मांग लेगा। परंतु गुरुजी ध्यान में लीन रहे। भाई मर्दाना ने रिबाब बजाना शुरू कर दिया। मुस्लिम भाई इस बात को नहीं मानते कि काबा सेवादार को घूमता दिखाई दिया था। इस बात पर सैयद प्रतिपाल सिंह जी लिखते हैं, इस बात का विवरण और भी ग्रंथों में मिलता है। जब ऐसा लोगों को प्रतीत हुआ कि मक्का अपने स्थान से हिला। पहला हजरत इबान अपनी पुस्तक फतुहत मकिया में लिखते हैं कि उन्होंने देखा था कि काबा उन्हें दबा देगा या निचोड़ देगा, जब उनके दिमाग में काबा के प्रति बुरे विचार आए थे। दूसरा किस्सा, हजरत राबिया जब जंगल से गुजरती हुई मक्का की ओर जा रही थी, तब उन्होंने देखा कि काबा उनकी ओर आ रहा है उन्हें लेने के लिए। तीसरा, हजरत इब्राहिम अजाम जब मक्का गए थे, वह यह देखकर हैरान हो गए थे कि मक्का अपने स्थान पर नहीं है। मक्का को अपने स्थान पर नहीं देखकर हजरत इब्राहिम ने यह सोचा कि उनकी आंखें खराब हो गई हैं। परंतु फिर उन्हें एक आवाज आई कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल सही हैं। काबा तो उस औरत को लेने गया है जो बहुत ही कमजोर है और वो यहाँ आ रही है। जब तक आप मेरा मेरा करते हैं तब तक आपका कोई भी काम नहीं होता। जब आप अपना अहम त्याग देते हैं तब करतार आते हैं और सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। एक तरफ गुरुजी ध्यान मगन थे और दूसरी ओर भाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे। सेवादार खड़ा हुआ और शहर की ओर भागा। ताजुद्दीन सेवादार के पीछे पीछे गए। सेवादार जामा मस्जिद पहुंचे और दीवार पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ लोगो, तुम सभी कहते थे काबा अल्लाह का घर है, बाहर निकलो और देखो आज अल्लाह बाहर बैठे हैं। सभी आओ और अपनी मुरादें पूरी करो। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। शीघ्र ही अमीरे मक्का के मुख्य काजी रुकानुद्दीन भी वहां पहुंच गए। उन्हें भी पूरा किस्सा पता चला। यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना ही पवित्र इंसान क्यों न हो, अगर उसने काबा को अपने चारों ओर घुमाया है तो उसने हिमाकत की है और मैं उसके खिलाफ फतवा निकालता हूँ। यह सुनते ही लोग मक्का की ओर गुरुजी को मारने के लिए दौड़े। यह सभी कुछ देखकर सेवादार बेचैन हो गया। वह तुरंत रुकनुद्दीन के पास पहुँचा। ओ महान मुफ्ती, मैं जानता हूँ आपने जो फैसला किया है वह सही होगा, परंतु जो कुछ करना सोच समझ कर करना। आज वहाँ अल्लाह स्वयं मानव रूप में बैठे हैं। सेवादार के शब्द रुकनुद्दीन की आत्मा पर लगे। क्या जब तुमने परमात्मा को देखा तो क्या वे इंसानी रूप में थे? क्या मैं भी उन्हें अपनी आँखों से देख सकता हूँ? मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनका विवरण कर सकूं। आप वहाँ बस आदर व प्रेम लेकर जाएं। जो लोग उन्हें मारने के लिए वहाँ जा रहे हैं आप उन्हें वहाँ मत लेकर जाएं। रुकनुद्दीन ने जीवन की बात को मान लिया। जीवन में यहाँ का मुखिया हूँ और तुम्हारी बात को मानकर अब मैं सभी को ना ले जाकर सिर्फ 150 लोगों को ही लेकर जाऊंगा। रुकनुद्दीन 150 लोगों का समूह लेकर काबा की ओर निकल पड़ा। वह जब काबा से मात्र 100 कदम दूर था तो वह सभी इसी विषय पर खड़े होकर बातें करने लगे। यह एक काफिर है और काफिर को कुत्तों के सामने डाल दो, जब तक वह मर नहीं जाए उसको पत्थर मारते रहो, काफिर को उबलते हुए तेल में डाल दो। परंतु जैसे ही उन्होंने गुरुजी की ओर आगे बढ़ने के लिए पांव उठाए, उन सभी के पांव वहीं जम गए, यानी वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु।
सिर्फ रुकनुद्दीन आगे बढ़ पाए, क्योंकि सभी के मन व दिमाग गुरुजी के प्रति बुरा सोच रहे थे और अगर वह आगे बढ़ते तो कुछ न कुछ ऐसा करते जिससे मर्यादा भंग हो जाती। रुकनुद्दीन को भी अभी पूरी तरह गुरुजी के प्रति विश्वास नहीं था, परंतु सेवादार मुल्ला जीवन की बातों में आकर उसके दिल में गुरुजी के प्रति आदर का भाव था। रुकनुद्दीन अकेले ही गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी वहाँ ईश्वर का सिमरन कर रहे थे। आदर के साथ रुकनुद्दीन बोले, अस्सलामुअलैकुम। गुरुजी आसमान की ओर देखकर बोले, सत श्री अकाल। रुकनुद्दीन यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आज तक उन्होंने अस्सलाम अलैकुम की ऐसी प्रतिक्रिया कभी नहीं सुनी थी। आप कौन से धर्म से हैं? कहां से आए हैं? मैं अल्लाह करतार का आदमी हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। हजरत, अगर आप इंसान हैं, तो आपका अवश्य ही धर्म होगा, क्योंकि अल्लाह ने सभी धर्म इंसानों के लिए बनाए हैं। कृपया करके सच बताएं, आपका धर्म क्या है, कहां से आप आए हैं और आपका यहां आने का मकसद क्या है? गाना बजाना शरिया के खिलाफ है, तो आप यहाँ यह सब क्यों कर रहे हैं? हाँ, और यह भी सच है कि मैंने मुल्ला जीवन से सुना कि आपने अपने पैरों की ओर काबा को घुमाया। जो कुछ भी आपने किया वह हमारे धर्म के खिलाफ है। 124,000 नबी यह मान चुके हैं कि काबा अल्लाह का स्थान है। सभी इमाम और नबी हमें बताते हैं कि संगीत बजाना हराम है, परंतु आपने यह सब यहाँ किया, ऐसा क्यों किया आपने? गुरुजी ने बड़े धैर्य से रुकनुद्दीन को सुना और अरेबिक में संगीत के साथ गुरबानी बोली, जिसका अर्थ था, रुकनुद्दीन तुम यहाँ के मुखिया काजी हो, मक्का के कर्ता धर्ता हो, तुम इस्लामिक लोगों में चमकते हुए चांद के समान हो, मैं तुम्हें इसके लिए बधाई देता हूँ, परंतु जब बात सत्य व तर्क की आती है तो तुम्हारा ज्ञान शून्य है। तुम्हारा अहम तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मंजिल से दूर कर रहा है। ओ काजी, सभी तुम्हारा कहना मानते हैं, एक तरह से तुम्हें पूछते हैं, इन्हीं बातों का तुम्हें घमंड है। मेरा मक्का में आने का उद्देश्य यहाँ के लोगों से मिलना है, ताकि हम सभी मिलकर एक सत्य को पहचाने, और वह सत्य अल्लाह है। मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह अल्लाह पुकारने से अल्लाह नहीं मिलेंगे। सबसे पहले अपने आप को पहचानो। जब हम अपने आप को पहचान जाएं, तब दूसरे को समझने का प्रयास करो। ताजुद्दीन लिखते हैं कि वह लगभग पूरा दिन रुकनुद्दीन के सवालों व गुरुजी के जवाबों में बीत गया। 360 प्रश्न उत्तर पूछे गए। हर जवाब पर रुकनुद्दीन यही कहते कि हमें यही सब हमारे धर्म गुरुओं ने पढ़ाया है, और गुरुजी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि धार्मिक नियमों के दास बनकर रहने में कुछ प्राप्त नहीं होगा, और वो धार्मिक नियम जिन्हें नश्वर इंसान ने बनाया है। गौर करने की बात यह है कि गुरुजी ने अपने जीवन काल में जनेयू प्रथा व और कर्म कांडों को स्वयं भी त्याग चुके थे। जो तुम कहते हो और करते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ भी उस बात को मना नहीं करते। तुम्हारे नबी संगीत का शौक रखते थे, इसकी पाबंदी तुम्हारे मुल्ला व काजियों ने की है। गुरुजी ने रुकनुद्दीन को बताया इस विषय पर एक प्रसिद्ध कहानी प्रॉफेट साहिब से जुड़ी है, जिसका वर्णन हदीस इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ से मिलता है। एक दिन प्रॉफेट साहिब को कुरियाज जाति के लोगों के यहाँ से निमंत्रण मिला। जब प्रॉफेट साहिब वहाँ पहुँचे तो लड़कियाँ लोक संगीत गा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने प्रॉफेट साहिब को देखा, वह तुरंत चुप हो गई और भजन गाने लगी। ऐसा देखकर प्रॉफेट साहिब बोले, मुझे अच्छा लगा था जो आप पहले गा रही थी, कृपया करके वह दोबारा गाओ, अल्लाह भला करेंगे। प्रॉफेट साहिब उन लड़कियों के लिए अल्लाह से आशीर्वाद मांग रहे थे जो लोक संगीत गा रही थी, और मैं तो सिर्फ ईश्वर के नाम के भजन गा रहा हूँ, और तुम मेरे लिए फतवा निकालने की बात कर रहे हो, यह कैसा न्याय है? मुझे कुछ कहने से पहले तुम्हें वह पढ़ लेना चाहिए था जो प्रॉफेट साहिब ने कहा है। गुरुजी के मुंह से इस्लामिक तर्क सुनकर रुकनुद्दीन हैरान हो गए और गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए। मैंने सुना था कि आप अल्लाह का रूप है, मुझे शक्ति दे जिससे मैं आपको पहचान पाऊँ। गुरुजी ने अपने सामने नतमस्तक बैठे रुकनुद्दीन को उठाया और कहा, सत करतार, सत करतार।
तुम्हारी हाजिरी अल्लाह के दरबार में कबूल हुई है, परंतु ध्यान रहे, जो साथी तुम्हारे साथ यहाँ आए हैं, उन्होंने मेरे लिए सजा सोच रखी है। वो सोच रहे हैं कि तुम मुझे सजा दोगे, परंतु जब वह इसका विपरीत देखेंगे तो वह तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और शायद वह तुम पर हमला भी कर दें। तुमने मेरे खिलाफ फतवा जारी किया, परंतु अब तुम मेरे चरणों में झुक चुके हो। मैं तुम्हारा स्नेह मेरे लिए कबूल करता हूँ, परंतु तुम्हें अपनी जान के बारे में भी सोचना चाहिए। असल में गुरुजी काजी की परीक्षा ले रहे थे। जैसे कोई सीटी खरीदने से पहले उसे बचाकर देखता है कि वह सही है या नहीं। परंतु गुरुजी की गुरबानी सुनकर काजी का दिमाग बिल्कुल साफ हो गया था। काजी ने अपने साथियों की ओर देखा जो गुस्से की आग में जल रहे थे, परंतु गुरुजी की वाणी सुनकर काजी का व्यक्तित्व ऐसा हो गया था जो किसी को डराए ना, परंतु वह खुद भी डर से मुक्त हो। काजी बिना डर के गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बोले, हजरत मेरे साथियों में भ्रम है, उनका झूठा घमंड व भ्रम समाप्त करे, मेरे दो प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करे। गुरुजी बोले, मैं हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे सभी भ्रम दूर कर सकूँ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। पूछो जो तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है, बेहिचक पूछो। मेरा पहला प्रश्न है, हमारे प्रोफेट साहब ने फरमाया है कि तीन उंगलियों से बड़ी अगर दाढ़ी हो जाए तो उसे काट देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अपनी काक के बाल भी काट देने चाहिए और अगर सिर के बाल गर्दन को छुए तो उन्हें भी काट देना चाहिए, और आपने ये कोई भी बात नहीं मानी, ऐसा क्यों? मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि तुम्हें वही करना चाहिए जो उस अल्लाह उस करतार ने हमारे लिए सोचा है। आपका उद्देश्य अल्लाह को पाने का होना चाहिए। हजरत मैं नहीं जानता कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, आप कृपया करके मुझे समझाए। गुरुजी हंसे और बोले, कुरान में लिखे अल्लाह के शब्द तुम्हें रास्ता दिखाने के काम आएंगे। क्या कुरान ने इस प्रश्न का जवाब दिया है? बिल्कुल साफ साफ। मैंने कुरान को दिल से पढ़ा है, उसे रोज पढ़ता हूँ, परंतु मुझे अभी तक उसकी गहराई समझ नहीं आई। कृपया करके मुझे बताएं इस प्रश्न का जवाब क्या है। गुरुजी बोले, देखो सुरह अल बकरा 196। भाइयों तुम सभी हैरान हो रहे थे कि क्यों इन भारतीयों ने अपने बाल बिना कटवाए यहाँ की यात्रा की है, और हम सभी यह जानते हैं कि जो इस बात को नहीं मानता वह सुन्नत नबी के खिलाफ है। आयत 196 में यह साफ साफ लिखा है कि अपनी हज यात्रा पूरी करने के लिए अपने बालों को मत कटवाएं, हज यात्रा के दौरान बाल कटवाना मना है। कुरान के अनुसार गुरुजी के मुंह से रुकनुद्दीन के प्रश्नों का जवाब सुनने के पश्चात सभी गुरुजी से बहुत प्रभावित हुए। यह देखकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और रुकनुद्दीन को भी साहस मिला और वह गुरुजी से बोला, हजरत हम अंधेरे में हैं, हमारे एक और प्रश्न पर उजाला डालिए। यह माना जाता है कि काबा अल्लाह का घर है और आपने उसकी ओर अपने पांवों को रखकर उसका अनादर किया है, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी बोले, रुकनुद्दीन कुरान भी नहीं कहती कि अल्लाह का कोई घर है। अल्लाह ने प्रॉफिट साहिब को यह साफ साफ फरमाया था कि वह किसी इमारत या घर में नहीं रहता। ईश्वर तो हमारे इतने करीब है जितनी हमारी जुगुलर वेन होती है, यानी गले की वह नस जो इंसान के जिंदा रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यह बात कुरान के सूरह कैफ 50:16 में लिखी है। गुरुजी के मुंह से कुरान की आयात सुनकर सभी मुस्लिम गुरुजी का स्वागत करने लगे। अब रुकनुद्दीन गुरुजी के रंग में रंग चुके थे। गुरु नानक देव जी ने मक्का को छोड़ने से पहले रुकनुद्दीन से कहा, जो कुछ तुमने देखा व सुना वह लोगों तक पहुंचाओ। तुम्हें वह सब सहन करना होगा जो असहनीय है। करतार तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे।
जाने से पहले गुरुजी ने अपने खड़ाऊ रकुनुद्दीन को उपास स्वरूप निशानी के तौर पर दिए। गुरुजी मक्का से निकल गए, परंतु रुकुनुद्दीन अपने घर नहीं गए अथवा एक गुफा में जाकर गुरुजी का सिमरन करने लगे। अब मुल्ला रुकुनुद्दीन भाई रुकुनुद्दीन हो चुके थे। अरे भाई, सुना है रुकुनुद्दीन ने उस काफिर को अपना गुरु बना लिया है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी ऐसा कुछ है। चलो चलते हैं, यह बात हुजूर को बतानी पड़ेगी। उस समय वहाँ के शासक अमीर नामक व्यक्ति थे। सभी लोग उनके सामने रुकुनुद्दीन की शिकायत लेकर पहुँचे। हजूर, रुकुनुद्दीन काफिर हो गया है। उसने गुरु नानक को अपना धार्मिक गुरु बना लिया है और एक गुफा में बैठकर ईश्वर की भक्ति कर रहा है, जो कि शरिया के खिलाफ है। उसका यह साहस, मैं उसके खिलाफ फतवा निकालता हूँ। रुकुनुद्दीन को आज से काफिर समझा जाए, उसकी पूरी जायदाद जब्त कर ली जाए, उसके रिश्तेदारों को यहाँ से निकाल दिया जाए, उसे 30 कोड़े मारे जाए और एक बंद कमरे में 10 दिनों तक भूखा रखा जाए। उसके पश्चात उसका मुंह काला कर मक्का की गलियों में घुमाया जाए, अंत में गर्म रेत में उसे कंधों तक दफनाया जाए और उसके पश्चात उसे तब तक पत्थर मारे जाएं जब तक वह मर नहीं जाए। ऐसा सबक सिखाओ जिससे आज के बाद कोई काफिर पैदा ना हो। आमिर की बात का पालन हुआ और रुकुनुद्दीन को यातनाएं दी जाने लगी। उनके परिवार को मक्का से निकाल दिया गया। वह शहर छोड़कर अफगानिस्तान के तिरहा पहाड़ी के पास जाकर बस गए और दूसरी ओर रुकुनुद्दीन को गर्म रेत में कंधे तक दफना दिया गया। जैसा कि तुम जानते हो, परंपरा के अनुसार तुम्हें मौका दिया जाता है, मरने से पहले जो कहना चाहते हो वो कह दो। भाई रुकुनुद्दीन ने अपनी आँखें खोली और उन्हें देख कर मुस्कुराए। उन्हें गुरुजी के आखिरी शब्द याद आए जो उन्होंने मक्का छोड़ने से पहले उनसे कहे थे। जो कुछ तुमने देखा व सुना है वह लोगों तक पहुंचाओ। तुम्हें वह सब सहन करना होगा जो असहनीय है। करतार तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जो गुरुजी ने कहा था, उस बात का समय आ गया है जब मुझे लोगों तक उनकी बात पहुंचानी है। मेरे धर्म व मेरे ईश्वर गुरु नानक देव जी हैं। वह प्यार का संदेश सभी ओर फैला रहे हैं। मेरा उनमें विश्वास है। अगर तुम्हें अपने कर्मों की माफी चाहिए तो उनकी शरण में आओ। जो ऐसा करेगा वह मोक्ष प्राप्ति करेगा। इस बात के खत्म होते ही रुकुनुद्दीन की गर्दन को काट दिया गया। इस तरह भाई रुकुनुद्दीन गुरुजी के मार्ग पर निडर चले और अपनी जान की शहादत दी। बाबा सैयद प्रितपाल सिंह जी लिखते हैं, अक्सर लोग यह मानते हैं कि पहले सिख शहीद भाई तारू पोपट थे, जिनको बाबर के खिलाफ बोलने के कारण मुगलों ने मृत्यु दंड दिया था, जो बात सही नहीं है, क्योंकि सिख इतिहास में गुरु के मार्ग पर निडर चलते हुए जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम अपनी शहादत दी वह भाई रुकुनुद्दीन थे। भाई रुकुनुद्दीन के आखिरी शब्द सुनकर सभी खड़े लोगों में उदासी सी छा गई। लोगों के पत्थर उन्हीं के पांव पर गिरे। वहां पर खड़े और लोगों का गुरुजी के प्रति विश्वास गहरा हो गया और वह गुरुजी का सिमरन कर करतार में विलीन अथवा मिल गए। आज भी बद कबीले के लोग, जो बहुत ही बहादुर व शेर दिल हैं, मक्का के बैतुल मुकद्दस में रहते हैं और वो आज भी गुरु नानक देव जी के सिख हैं। मक्का यात्रा के पश्चात गुरुजी अमारा पहुंच चुके थे। वहां के लोगों व वहां के मुखिया इमाम गुलाम कादर को दिया। वहां के मुखिया ने अपनी पारिवारिक मस्जिद गुरुजी को दी, जहां पर वह लोगों को गुरबानी सुना सके। इस मस्जिद को गुरुजी के ठहरने के पश्चात मस्जिद वली हिंद कहा जाने लगा। अमारा शहर रहने के पश्चात गुरुजी मदीना के उस स्थान पहुँचे जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद का मकबरा है। मदीना एक पवित्र स्थान है। प्रॉफिट साहिब ने यहाँ अपने अंतिम दिन बिताए थे और यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने अपना शरीर त्यागा था अथवा अंतिम सांस ली थी। यहीं पर प्रॉफिट साहिब की याद में एक मकबरा बनाया गया है।
ऐसे पवित्र स्थान पर जाकर गुरुजी गुरबानी गा रहे थे और संगीत बजाया जा रहा था। यह सब देखकर वहाँ के लोग बहुत अधिक क्रोधित हो गए। यह कौन काफिर है जो गाना बजाना गा रहा है, खत्म कर दो इसे। उन लोगों के हाथ में जो भी आया वह गुरुजी को मारने के लिए उसे हाथ में लेकर दौड़ पड़े। गुरुजी को मारने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, परंतु जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया उनके हाथ वहीं जम गए। पूरे शहर में यह बात आग की तरह फैल गई। भाईजान, आज शहर में एक काफिर आया है, वो गाना बजाना गा रहा था। अरे वही मार देना चाहिए था। भाईजान मारना तो चाहा था, परंतु लोग उन्हें मार नहीं पाए। वहाँ के मुखिया खलीफा चार इमामों के साथ उस स्थान पर पहुँचे। खलीफा ने संगीत की आवाज सुनी और उन्होंने तुरंत अपनी उंगलियों से कानों को बंद कर लिया, परंतु यह करते ही वह खड़े के खड़े रह गए। यह देख चारों इमाम हैरान हो गए। उनमें से एक इमाम, जिनका नाम इमाम जफर साहिब था, आगे बढ़े और गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बोले, कृपया करके इन पर दया बख्शिए और इन्हें माफ करें। इसके पश्चात सभी गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए और गुरुजी ने सभी को आशीर्वाद दिया। यहाँ पर बाबा नानक ने 27 दिनों तक अपना डेरा जमाया और लोगों को गुरु ज्ञान दिया। जब वे जाने लगे तो लोगों ने उनसे उनकी निशानी के तौर पर कुछ मांगा। गुरुजी ने उनकी बात को मानकर अपने खड़ाव निशानी के तौर पर दे दिए। दूसरी ओर गुरुजी कुफा पहुँच चुके थे। वहाँ पर उन्होंने लगभग 3 महीने गुजारे। वह रोज लोगों को गुरबानी सुनाते थे। अब कुफा शहर के लोग दो भागों में बट चुके थे, एक जो गुरुजी को मानने लगे थे और दूसरे वो जो इमाम मारिया को मानते थे। गुरुजी की गुरबानी सुनने एक महिला रोज आती थी और उसका नाम सलीमा था। संगत के लिए अक्सर वह भोजन भी लाती थी। सलीमा बेहद ही धार्मिक औरत थी। सलीमा के पति ऊंट के व्यापारी थे और उस समय वह परदेश में व्यापार के लिए गए हुए थे। कुछ समय पश्चात उसके पति वापस शहर में आए। किसी ने सलीमा के पति से कहा, भाई जान, आपकी बेगम रोज कब्रिस्तान के पास एक फकीर को सुनने जाती है, यहाँ तक कि उसने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया है। जो भी वह कर रही है वह शरिया के खिलाफ है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अक्सर लोग गुरु के मार्ग और उनकी छत्र छाया में जाते हैं, परंतु गुरु का मार्ग आसान नहीं है। गुरु अक्सर अपने शिष्यों की समय समय पर परीक्षा लेते हैं। एक दिन सलीमा गुरुजी को सुनने पहुंची, परंतु गुरु कृपा से वह गुरुजी के ध्यान में इतना खो गई कि दिन ढलने लगा। गुरुजी ताजुद्दीन से बोले, इस बच्ची से कहो वह अपने घर को जाए। आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि गुरुजी किसी का गहन सिमरन तुड़वा रहे हों। सलीमा आंखें खोलो, जाओ अपने घर को जाओ। सलीमा ने गुरुजी के चरण छुए। चरण छूते ही सलीमा की आत्मा संतुष्टि के प्रकाश से भर गई। वह बोली, मुझे लगता है मेरे पति वापस आ गए हैं। मैं कल उन्हें अपने संग आपके दर्शन को लाऊंगी। गुरुजी सलीमा से बोले, पुत्री याद रहे, धैर्य बनाए रखना, कोई भी अवस्था हो तुम नर्म बनी रहना। गुरुजी की वाणी सुनकर सलीमा वापस अपने घर को चल पड़ी। सलीमा घर पर पहुंची तो उसने देखा उसके पति के साथ उसके मोहल्ले के कुछ लोग थे। उसके पति ने उसे घूर कर देखा। वह समझ गई कि उसके पति के कान मोहल्ले वालों ने भर दिए हैं। आप कैसे हैं? मैं कैसा हूँ, पहले ठीक था, परंतु तुम्हारी हरकतों ने मेरा सम्मान पूरी तरह से बिरादरी के सामने कम कर दिया है। स्वामी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके मान और सम्मान पर ठेस लगे। यह तो मेरी भक्ति का फल है कि आप सही सलामत वापस आ गए, नहीं तो आपको मिस्र में मृत्यु दंड मिलना तय था। सलीमा, मिस्र के किस्से के बारे में तुम्हें किसने बताया? यात्रा के पश्चात तो हम पहली बारी ही मिल रहे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे मालूम है तुम मिस्र से आ रहे हो और वहाँ तुमने 500 सोने की मुद्राओं को खोद कर निकाला और उसके पश्चात उन्हें माजिद को दे दिया।
हाँ हाँ मैं यह सब कुछ हुआ जो तुम बता रही हो, परंतु तुम्हें कैसे पता चला? अल्लाह के लिए मुझे बताओ कि यह बात तुम्हें किसने बताई? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, परंतु पहले आप भोजन कर लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता चला? ठीक ठीक है, तुम भोजन ले आओ और उसके पश्चात मुझे बताना कि तुम्हें यह सब बातें कैसे पता चली। सलीमा के पति ने भोजन किया और उसके पश्चात उसके पास बैठ गया। अब मुझे बताओ तुम्हें ये राज की बातें कैसे पता चली? पहले आप मुझे बताओ आपको मिस्र के दरबार में क्यों पेश किया गया था? बस सलीमा तुम्हें क्या बताऊं? बस यही मान लो जो हुआ वह अल्लाह की मर्जी थी। अगर एक भला आदमी समय पर नहीं आता और मेरी जमानत नहीं करवाता तो मैं अपने भतीजे माजिद का कर्जा नहीं चुका पाता और इस वजह से मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाता। किसने आपकी जमानत दी थी और क्या बात हुई, मुझे पूरी बात बताओ। सलीमा मैंने अपनी सुबह की नमाज खत्म ही की थी। पास में ही एक बगीचा था, हमारे ऊंट बगरा ने बगीचे के पेड़ की एक डाल को तोड़कर खा लिया। बगीचे के बुजुर्ग मालिक को यह देखकर बहुत क्रोध आया और उसने एक बड़ा पत्थर लेकर बगरा के सर पर मारा और बगरा की मृत्यु हो गई। क्या कहा, बगरा मर गया? वह हमारा सबसे प्रिय ऊंट था और वह हमारे परिवार में काफी वर्षों से साथ था, बहुत बुरा हुआ। हाँ बहुत बुरा हुआ और यह देखकर मैंने भी आपा खो दिया और उसी पत्थर से मैंने उस बुजुर्ग की हत्या कर दी। मैंने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की परंतु भाग नहीं पाया। मिस्र के अमीर के दरबार में मेरे खिलाफ बुजुर्ग के परिवार ने राजा के दरबार में मेरी पेशी लगवा दी और राजा ने मेरे से क्रोध में आकर पूछा, जो बुजुर्ग के परिवार ने तुम्हारे खिलाफ इल्जाम लगाए हैं क्या तुमने वे सुने हैं? जी मालिक, परंतु उस बुजुर्ग ने भी उस पत्थर से मेरे प्रिय ऊंट की हत्या की थी और मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी पत्थर से मैंने बुजुर्ग को मार दिया और उसकी हत्या हो गई और वह ऊंट मेरे लिए अनमोल था मालिक, अनमोल। क्या तुम शरिया का इंसाफ नहीं जानते? अगर बुजुर्ग ने तुम्हारे ऊंट को मारा था तो तुम अदालत में उसकी मृत्यु का मुकदमा लेकर आ सकते थे। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाता, तुम्हें उसकी पूरी कीमत दिलवाई जाती, परंतु अब तुम्हारे सर पर बुजुर्ग की मृत्यु का आरोप है और तुम्हें भी मृत्यु दंड ही मिलेगा। क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ कहने को है? हुजूर, मैं अपने गुनाह को कबूल करता हूँ और शरिया कानून के सामने सर झुकाकर नतमस्तक होता हूँ, परंतु आपसे मेरी एक विनती है, मुझे 3 दिन की जमानत दे दी जाए। 3 दिन की जमानत क्यों मांग रहे हो? हुजूर, मेरे पास अनाथ लोगों की कुछ अमानत है जिसके बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं उस अमानत को उन्हें सौंप कर 3 दिनों में वापिस आ जाऊँगा, बस मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। हम तुम्हें 3 दिनों की जमानत दे सकते हैं, परंतु तुम्हें यहाँ पर अपना एक जमानती छोड़ना पड़ेगा और अगर तुम इन 3 दिनों में वापिस नहीं आए तो तुम्हारी जगह उस जमानती को मृत्यु दंड मिलेगा। है कोई यहाँ जो तुम्हारी जमानत ले सकता है? सलीमा, उस अनजान शहर में मैं बिल्कुल अकेला था, ना कोई दोस्त ना रिश्तेदार। अल्लाह पर विश्वास कर मैंने एक आदमी पर ऐसे ही उंगली कर दी। जनाब ये है मेरे जमानती। क्या तुम इसकी जमानत देने को तैयार हो? और सलीमा, उस व्यक्ति ने मेरी जमानत दे दी। मैं वहाँ से जल्दी जल्दी निकल कर चचेरे भाई माजिद के पास पहुँचा और उस अमानत को सौंप दिया और उसके पश्चात वापिस मिस्र की ओर निकल गया। पूरे रास्ते मुझे यही विचार आते रहे कि क्या मैं समय पर पहुँच पाऊँगा। हर वक्त मेरे सामने उस व्यक्ति का चेहरा नजर आ रहा था जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और मेरी जमानत दी थी। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से किसी को मृत्यु दंड मिले। बस 3 दिन पूरे होने में कुछ ही क्षण बाकी थे कि मैं दरबार में पहुंच गया। किसी को भी वहां पर विश्वास नहीं था कि मैं वापस जाऊंगा। मेरी वापसी को देखकर नवाब बहुत प्रसन्न हुआ और मुझसे बोला, हम तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मुझे लगता था कि तुम वापस नहीं आओगे और इस निर्दोष को मृत्यु दंड मिलेगा। तुम्हारी इसी ईमानदारी की वजह से मैं तुम्हें बरी करता हूँ।
और इस तरीके से सलीमा मैं मौत के मुंह से वापस तुम्हारे पास आ गया। क्या आपको उस व्यक्ति का चेहरा याद है? बेशक सलीमा, उस फरिश्ते का चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ, पर सलीमा मुझे नहीं लगता कि वह व्यक्ति अब हमें दोबारा मिलेगा। मैंने उसके बारे में वहाँ के लोगों से खूब पूछा, पर किसी को नहीं मालूम कि वह फरिश्ता कहाँ से आया था। शायद अब वह फरिश्ता हमें कभी नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है अल्लाह स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए आए थे, और शायद वह व्यक्ति अब मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। हे करतार, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। आप यहाँ ठहरे, मैं अभी आई। तुम कहाँ जा रही हो सलीमा? मैं गुरुजी से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम काफिर से मिलने जा रही हो? आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? क्या बकवास कर रही हो? मैं किसी हिंदुस्तानी फकीर से मिलने जाऊँ? मैं अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता, उसी ने मेरी जान बचाई है। कुछ ना कहो, मुझे लगता है आपकी जेब में कुछ हिल रहा है। सलीमा, क्या अब तुम जेब के अंदर क्या हो रहा है वह भी देख सकती हो? क्या है जेब के अंदर? कुछ भी तो नहीं है। ये देखो, कुछ भी नहीं है। मुझे जहरीले बिच्छू ने खा लिया है। घबराइए नहीं, मैं आपका जहर निकालती हूँ। सलीमा, तुम्हें कुछ हो गया है। ऐसा मालूम होता है मानो तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो जो किया है वह करतार का नाम लेकर ही किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे गुरु के दर्शन करो। ठीक है सलीमा, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। सलीमा सलीमा, ये वही हैं जिन्होंने मेरी जमानत दी थी। सलीमा, ये वही हैं। कौन है जिसने आपको जमानत दी थी? जल्द ही यह बात पूरे शहर में फैल गई। गुरुजी के और अधिक अनुयायी बन गया। संगत में एक दिन गुरुजी का एक भक्त आया और गुरुजी से बोला, गुरुजी गुरुजी, आपके खिलाफ काजी पाशा अली ने फतवा निकाल दिया है। गुरुजी, आपको पाशा अली काजी को सबक सिखाना चाहिए। गुरुजी ने सभी से कहा, करतार पर विश्वास रखो। दूसरी ओर पाशा अली को लोग बता रहे थे, काजी साहब हिंदुस्तानी फकीर कब्रिस्तान के पास ठहरा है। बहुत से लोग उससे रोज मिलने जाते हैं और उसका भजन सुनते हैं। जो उनका अनुसरण कर रहे हैं वो किसी की नहीं सुन रहे। पता नहीं ऐसा क्या टोना टोटका किया है उस फकीर ने। तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि वो कोई काफिर है। वो ही नहीं, उसके पास जो भी जा रहा है वह भी काफिर है। इन काफिरों से किसी भी तरह का नाता ना रखा जाए, अथवा उन्हें बिरादरी बाहर कर दिया जाए। फतवे के पश्चात जो भी गुरुजी को सुनने जाता था उसे बिरादरी बाहर कर दिया जाता था। फतवे के पश्चात भी लोग गुरुजी के सत्संग में पहुंच रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति सत्संग में खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, पाशा अली जिसने आपके खिलाफ वह हमारे खिलाफ फतवा जारी किया था, उसे पेट की गंभीर बीमारी हो गई है। वह 3 दिनों से अपने मरने का इंतजार कर रहा है। उसने आपकी बेइज्जती करी थी और आज वह अपने उसी पाप की सजा भोग रहा है। हाँ भैया, सही कह रहे हो, उसे उसके पापों की सजा मिली है। गुरुजी ने भाई मर्दाना की तरफ देखा और कहा, मर्दाना, हम सभी को पाशा अली का हाल पूछने जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने फिर से गुरुजी से कहा, हम उस पाशा अली को देखने क्यों जाएं? उसी ने तो हमारे खिलाफ फतवा निकाला था, और हम ऐसे आदमी का हाल पूछने जाएं? गुरुजी ने सभी से कहा, अगर किसी ने तुम्हें यातना दी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी उसे यातना दो। बुराई से नफरत करने की जगह हमें उस बुराई को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। गुरुजी काजी के घर की ओर चल दिए। भाई मर्दाना ने काजी का दरवाजा खटखटाया। काजी की 11 साल की बेटी ने दरवाजा खोला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नानक है। काजी की बेटी अपने पिता के पास गई। अब्बू, कोई नानक आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा, नानक आया है, उसके खिलाफ हमने फतवा निकाला था। मैं उससे नहीं मिल सकता, कह दो उसे मेरे घर से निकल जाए। ओ फकीर, मेरे पिता ने आपके खिलाफ जो शब्द कहे हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती। कृपा करके आप यहाँ से चले जाएं। पुत्री, अपने पिता से कहो हम उनकी खैरियत पूछने आए हैं, इसलिए वे हमें अंदर आने दें।
वह लड़की फिर से अपने पिता के पास गई। पिताजी, वह आपकी खैरियत पूछने आए हैं, कृपया आप उन्हें अंदर आने दें। मैं पहले ही कह चुका हूँ, कह दो उस काफिर से यहाँ से चला जाए। उदास लड़की फिर से गुरुजी के पास पहुँची और बोली, मेरे अब्बू आपसे मिलना नहीं चाहते। गुरुजी यह सुनकर बच्ची से बोले, बेटी अपने पिता से जाकर कहो, मैं अपने किए हुए कार्यों के लिए उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लड़की फिर से अपने पिता के पास गई। पिताजी, वह अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आखिर इस्लाम क्या है उसे समझ आ गया है। ठीक है, बुलाओ उसे। ओ संत, मेरे पिता आपको अंदर बुला रहे हैं। गुरुजी उस कमरे में पहुँचे जहाँ काजी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। गुरुजी के दर्शन पाकर काजी को अजीब सा सुकून मिला। जाने क्यों उसका मन गुरुजी के सम्मान में बैठने को किया, परंतु बीमार शरीर के कारण वह उठ नहीं पाए। गुरुजी ने अपना हाथ लगाकर उन्हें बिठाया और उन्हें अपने गले से लगाया। काजी को ऐसा दिखने लगा जैसे गुरुजी से मिलने के पश्चात उनको नर्क की जगह स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। गुरुजी ने काजी को अपने हाथों से लिटाया और काजी के अटके हुए प्राणों को गुरुजी का स्पर्श पाकर मोक्ष मिल गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। यह बात सारे शहर में फैल गई कि तड़पते हुए काजी को गुरुजी के हाथों से मुक्ति मिली है। वह लोग जो गुरुजी के खिलाफ थे वह सभी गुरुजी के चरणों में आ गए। लगभग 3 महीनों तक गुरुजी ने लोगों को गुरबाणी का अमृत पिलाया। जिस दिन गुरुजी का गुफा में अंतिम दिन था, सलीमा व उसके पति उनके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी आप हमसे दूर जा रहे हैं, आपके बिना हम कैसे जिएंगे, अब हम कब और कहाँ आपके दर्शन कर पाएंगे। गुरुजी ने सभी को जपजी साहिब की एक पुस्तक दी और कहा, आप सभी मुझे इस पुस्तक में पाएंगे, जहाँ आज मैं बैठा हूँ उस स्थान पर गुरबानी गाई गई है। यह स्थान पवित्र है, इस स्थान को ऐसा बनाओ जहाँ तुम शांति से बैठकर ईश्वर का सिमरन कर सको, ताकि तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। पति पत्नी ने वहाँ एक गुरुजी की याद में इमारत बनवाई जिसे वलीहिन कहा जाता है, और जपजी साहिब को वहाँ गुरुजी की भेंट अथवा याद में रखा गया। आज भी लगभग 50% उस जगह के निवासी लंबे बाल रखते हैं और वह सभी वलीहिन का सिमरन करते हैं। कुफा के लोगों को गुरबानी देकर श्री गुरु नानक देव जी फुरत नदी के साथ साथ चलते हुए कई कई नाम के शहर में पहुँचे। उन्होंने अपना डेरा वहाँ जमाया और भाई मर्दाना गुरुजी के साथ मिलकर अरेबिक में गुरबानी अथवा ईश्वर का भजन गाने लगे। गुरुजी की गुरबानी सुनकर वहाँ के लोग इस तरह से उनके पास आने लगे मानो रोशनी को देखकर जैसे पतंगे आते हैं। वहाँ पर एक ज्ञानी व्यक्ति था जिसका नाम पीर जलाल था। वह वहाँ के लोगों के आध्यात्मिक गुरु थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उन्हें आकर कहा, जनाब किले के पास एक संत आए हैं, उनका संगीत इतना दिल को छू रहा है कि पूछो मत, सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। गुरुजी के बारे में सुनकर पीर जलाल भी गुरुजी के दर्शन के लिए निकल गए। गुरबानी ने पीर जलाल के दिलो दिमाग को छू लिया और उन्होंने गुरुजी को प्रणाम कर कहा, ओ संत, यहाँ के खलीफा जिनका नाम करुण हमीद है वे मेरे शिष्य हैं। वह बहुत ही लालची और निर्दयी व्यक्ति है, वह किसी की नहीं सुनता और लोगों को कष्ट देता है। गुरुजी ने पीर जलाल से कहा, मैं यहाँ तुम्हारे शिष्य के लिए ही आया हूँ। यह सुनकर पीर जलाल गुरुजी के चरणों में गिर गए और बोले, उसने 40 खजानों का कोष भर रखा है और उसने यह खजाना लोगों का खून चूस कर इकट्ठा किया है, परंतु उसकी प्यास अभी तक नहीं भरी है। वह इतना लालची है कि वह अपने खजाने को भरने के लिए ताबूत तक को बेच सकता है। गुरुजी ने निरंकार को याद किया और गहन सिमरन में चले गए। क्योंकि पीर जलाल गुरुजी के शिष्य बन चुके थे और वह भी रोज गुरबानी सुनने आते थे, इस वजह से भी गुरुजी को सुनने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन पीर जलाल खलीफा के दरबार में पहुँचे और वह खलीफा से बोले,
जनाब एक हिंदुस्तानी संत शहर में पधारे हैं। मैंने सुना है मक्का और कूफा के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। वाकई ही वे एक पवित्र संत हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें भी उनके पास लेकर चलो, हम भी उनके दर्शन करेंगे। पीर जलाल तो यही बात सुनना चाहते थे। उन्होंने बिना किसी देरी के करुण हामिद को अपने साथ लिया और गुरुजी के दर्शन को निकल गए। दोनों जब गुरुजी के स्थान पर पहुँचे तो वहाँ भीड़ का अंबार लगा था। सभी लोग गुरुजी के दर्शन को आए थे। करुण ने गुरुजी के सामने सर झुकाकर गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, ओ हिंदुस्तानी फकीर, यह मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे राज्य में पधारे। कृपया करके मुझे आशीर्वाद दें ताकि मुझे भी अल्लाह की राह मिले। गुरुजी ने एक सुई निकाली और करुण को देते हुए उससे कहा, इस सुई को अपने पास संभाल कर रखना। यह क्या है गुरुजी? यह सुई मैं तुम्हें कर्ज के रूप में दे रहा हूँ, अर्थात जब भी मैं तुमसे इसे मांगूंगा तुम्हें इस सुई को मुझे वापस देना होगा। जब तक यह तुम्हारे पास है इसे संभाल कर रखना। मैं इसे कहाँ पर रखूँ? चिंता मत करो, तुम्हारे पास 40 खजाने के कोश हैं, उन्हीं कोशों में से किसी एक में इसे रख देना। परंतु गुरुजी, मैं अपने धन के कोशों में अपना धन रखता हूँ, किसी की अमानत अथवा कर्ज नहीं रखता। और वैसे भी यह तो एक सुई है, इसके लिए इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? करुण, यहाँ हर एक चीज कर्ज है। हमारे हाथ पांव और चमड़ी, यहाँ तक कि बाल, सभी कुछ तो कर्ज है। यह कुछ भी तो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। पर गुरुजी, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरे बाल, सभी कुछ तो मेरा है, यह आप क्यों कह रहे हैं? यह सब मेरे ऊपर कर्ज है। करुण, यह सब तुम्हें अल्लाह से मिला है, जिसने तुम्हारे अंदर प्राण फूके हैं, यह सभी उसी का तुम्हारे पास कर्ज है। आप सही कह रहे हैं, यह सभी कुछ अल्लाह का है। तुम सही समझे, यह सभी कुछ तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है और तुम्हारे शरीर के एक एक अंग का हिसाब तुम्हें उस अल्लाह को देना होगा। जो हाथ मुझे अल्लाह ने दिए हैं, उनका हिसाब मुझे किस रूप में अल्लाह को देना होगा? तुम्हें अपने हाथों का हिसाब अल्लाह को देना होगा, उनके द्वारा अच्छे कर्म कर। और जो अल्लाह ने मुझे पाँव दिए हैं, उनका हिसाब मुझे कैसे देना होगा? तुम्हारे वो कदम जो लोगों की भलाई के कामों के लिए उठेंगे वो तुम्हारे पाँव का हिसाब होगा। गुरुजी, क्या मुझे हर चीज का हिसाब देना होगा? हाँ, तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा। गुरुजी, जो आपने मुझे कर्ज अथवा अमानत दी है वो मुझे आपको वापस कब लौटानी है? गुरुजी बोले, करुण चिंता मत करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। परंतु आप मुझे जरा भी बता दे तो मैं एक पर्ची उस कोष पर लगा दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मुझे आपका कर्ज आपको वापस कब लौटाना है। गुरुजी बोले, करुण मैं तुमसे अपना कर्ज मरने उपरांत यानी मरने के पश्चात ले लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंसान के मरने के पश्चात कुछ भी तो वह अपने साथ नहीं ले जाता। करुण, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मरने उपरांत हमारे साथ कुछ नहीं जाता। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएंगे। तो आपकी सुई मेरे साथ कैसे जाएगी? गुरुजी बोले, करुण मैंने कब कहा कि यह सुई तुम्हारे साथ जाएगी? मैं तो यह कह रहा हूँ मुझे यह सुई मरने उपरांत दे देना। गुरुजी, यह मेरे हाथ में नहीं है, मैं इस सुई को मरने उपरांत अथवा मरने के पश्चात आपको नहीं दे सकता। करुण, अगर तुम एक छोटी सी सुई का हिसाब मरने उपरांत नहीं दे सकते तो तुम उन 40 खजानों के कोशों का हिसाब अल्लाह को कैसे दोगे? करुण गुरुजी का इशारा भाप किया। मुझे माफ कर दो, मैं सब समझ गया हूँ। बताओ मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी, बताएं मुझे क्या करना चाहिए। गुरुजी का तीर सही निशाने पर लगा। करुण को यह एहसास हो रहा था कि उसने अपने खजानों को भरने के लिए कितने लोगों के साथ अन्याय किया था। गुरुजी करुण को बोले, करुण शांत हो जाओ, चिंता मत करो। हर एक इंसान जब धरती पर आता है तो उसका एक कारण या उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य उसे खुद ढूंढना पड़ता है। तुम भी ढूंढो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? करुण की आंखों में आंसू थे और वह रोते हुए बोला, हे ईश्वर, मेरे गुनाहों की मुझे माफी दो। जो कुछ भी मेरे जीवन के उद्धार करने के लिए जरूरी है वह मुझे बताएं।
हे राजन, तुम्हारे राज्य के लोग भूख से मर रहे हैं। उनका जीवन बेहाल है और वे कष्ट में हैं। अपनी धन दौलत उन लोगों में बांट दो जो कष्ट में हैं। तुम्हारा यही कर्म तुम्हें मोक्ष दिलाएगा। भटके हुए करुण हमीद को राह मिल गई और उसने अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बांट दी। कई कई शहर के दक्षिण में एक स्थान है जो फुरत नहर के संग बसा है। इस स्थान को नानक वाली हिंद के नाम से जाना जाता है। जो सुई गुरुजी ने करुण हमीद को दी थी वह इसी स्थान पर रखी गई है। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी अपनी पुस्तक द्वारिक गुरु खालसा में लिखते हैं कि गुरुजी डेरा इस्माइल खान की यात्रा करते हुए निथानकोट पहुँचे, जहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं। निथानकोट से नदी किनारे चलते हुए गुरुजी ने वहाँ पर लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। रोहरी शहर से निकलकर वह सुकूर के एक द्वीप पर पहुँचे। बाबा वखनंदी दास, जो उदासी पंथ जिसे बाबा श्रीचंद ने बनाया था, उसके एक सदस्य थे। उन्होंने इस स्थान को खोजा और एक मठ की स्थापना की जिसका नाम सतबेला है। इस स्थान का सिंध के लोगों में एक विशेष स्थान है। इस द्वीप से निकलकर श्री गुरु नानक देव जी कराची बंदरगाह में पहुँचे। गुरु जी की याद में यहाँ गुरुद्वारा श्री अकाल बुंगा बनवाया गया। कराची से निकलकर गुरु जी समुद्री मार्ग से एदन पहुँचे। एदन में बड़े किले के पास गुरुजी की याद में एक सुंदर इमारत बनवाई गई। एडन के इस स्थान से जद्दा शरीफ पहुँचे और ईव्स की कब्र के पास ठहरे। इसी स्थान को नानक शाह कलंदर कहा जाता है। ताजुद्दीन लिखते हैं, लगभग 22 किलोमीटर जद्दा से दूर गुरुजी एक कारवां के आगे आगे चलने लगे। उस कारवां का मुखिया शाह शराफ नामक व्यक्ति था, जो पानीपत हिंदुस्तान से था। शाह शराफ ने अपने ऊंट चालक से कहा, यह कौन है जो आगे आगे चल रहा है? ऊंट चालक ने गुरुजी से पूछा, आप कौन हैं? ना मैं हिंदू हूँ और ना ही मुस्लिम। मेरा शरीर 5 चीजों से बना है और लोग इसे नानक कहते हैं। जनाब, यह व्यक्ति मुझे हिंदू लगता है। शाह ऊंट से नीचे उतरे और गुरुजी से बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ आप सभी लोग जा रहे हैं। शाह को यह जल्द ही अनुभव हो गया कि गुरुजी एक पहुँचे हुए संत हैं, और यह सोचकर उन्होंने उनसे बात शुरू की। उन्होंने गुरुजी से कुछ प्रश्न पूछे। वैराग्य या फकीरी कहाँ से शुरू होती है? जब इंसान अपना अहम त्याग देता है, वहाँ से फकीरी शुरू होती है। फकीरी कहाँ खत्म होती है? फकीरी का अंत अल्लाह को पाकर होता है। फकीरी की चाबी क्या है जिससे खुदा के रास्ते खुल जाएं? खुदा पाने का एक ही रास्ता है, वह उसका सिमरन। वह कौन सी चीज है जो हमें ईश्वर के मार्ग से भटकने नहीं देती? उसकी बंदगी, उसकी पूजा। एक फकीर के लिए कब्र क्या है? विनम्रता। फकीर का खजाना कहाँ है? भक्तों की संगत फकीर के लिए खजाना है। एक फकीर के लिए विकास क्या है? ज्ञान। फकीर के लिए खुशी क्या है? किस बात से उसे खुशी मिलती है? ईश्वर पाना ही उसके लिए खुशी है। फकीर का भोजन क्या है? सत्य। फकीर का आभूषण क्या है? जीवित रहते हुए भी मृत होना, यानी जिस व्यक्ति पर मोह माया का कोई प्रभाव ना हो। फकीर के लिए आराम क्या है? ईश्वर पे विश्वास। फकीर का घर कहाँ है? लापरवाह होना। सच्चा फकीर घर के बारे में नहीं सोचता, अथवा उसके लिए यह बात बहुत ही मामूली है। इस जीवन रूपी सागर में फकीर की नाव क्या है? उसके अच्छे कर्म। एक फकीर को क्या आजाद करता है? उसका दृढ़ विश्वास। एक फकीर के लिए जीवन का मूल क्या है? न्याय। ईश्वर कैसा दिखता है? वह एक है और सिर्फ एक, इसलिए उसकी किसी से ना कोई तुलना है और ना ही उसके बारे में कोई विवरण दे सकता है। शाह सरफ गुरुजी के जवाबों से बहुत प्रभावित हुए और उसने गुरुजी से कहा, बहुत से लोग फकीर की पोशाक पहनते हैं और वह उसे पहनकर यह समझते हैं वे और लोगों से श्रेष्ठ हैं। एक इंसान सिर्फ फकीर के कपड़े पहनकर ही सच्चा फकीर नहीं बन सकता। ऐसे लोग पाखंडी हैं और ना वो अपने परिवार के हो पाते हैं और ना ही फकीर बन पाते हैं। मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा है, फकीर जो कपड़े पहनता है और जैसा अपना रूप रखता है, उसका क्या उद्देश्य है? ओ शाह शरफ, फकीरी अंदर से जन्म लेती है। वह फलों के सार की तरह है जो बाहर दिखाई देने से पहले पेड़ के अंदर उगता है। एक सच्चे फकीर के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह पारिवारिक जीवन में रहता है या बैरागी होकर रहता है। अगर इंसान फकीरी वेशभूषा रखता है,
परंतु उसका मन सांसारिक क्रियाओं में रहता है तो उसका फकीर होना महज एक दिखावा है। शाह शरफ गुरुजी के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और अपने साथियों के पास वापस चले गए। भाई मर्दाना और गुरुजी भी उसके साथ हो गए। तभी वहाँ एक आदमी ने गुरुजी से पूछा, आप हिंदू हैं या मुस्लिम? गुरुजी ने कहा, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तब आप वहाँ नहीं जा सकते। मक्का में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। अगर आप वहाँ गए तो आपको मार दिया जाएगा और यहाँ तक के हमें भी नहीं छोड़ा जाएगा। गुरुजी ने सभी से कहा, मक्का से पहले हम आपका साथ छोड़ देंगे और हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। नहीं नहीं, आप हमारे साथ नहीं चल सकते। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, चलो इन्हें जाने दो, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम हज यात्रा जरूर करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी तीर्थ स्थान पर जाना तभी सार्थक होता है जब आप वहाँ अनुग्रह प्रेम व सेवा भाव से जाएं। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं या क्रोध करते हैं तो आप हाजी नहीं हो सकते। हाजी ने गुरुजी से पूछा, यात्रा करने वाले हाजी में क्या गुण होने चाहिए? जो लोग अल्लाह को याद रखते हैं उन्हीं पर उसकी कृपा होती है और जो उसे भूल जाते हैं उन्हें कष्ट मिलता है। किसी की निंदा करना मुंह पर कालक के समान है। ईमानदार व्यक्ति का चेहरा चमकता है और बेईमान के चेहरे पर दाग होता है। झूठ नर्क है और सत्य स्वर्ग। गुरुजी की गुरबानी सुनकर काफिला आगे चल दिया और गुरुजी अपने मार्ग पर चल दिए। 5 महीने बीत गए। शाह शरफ का काफिला मक्का पहुंचा। जब वो वहां पहुंचे तो किसी ने उन्हें बताया, भाई जान, यहाँ 5 महीनों पहले एक हिंदुस्तानी फकीर आए थे जिनके यहाँ ढेरों अनुयायी हो गए। यहाँ तक रुकनुद्दीन भी उनके मुरीद हो गए। कौन थे वो? शाह शरफ यह सुनकर गुरुजी से और अधिक प्रभावित हुए और वह गुरुजी के शिष्य बन गए। अरब यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी मशहद शरीफ जा पहुँचे, जहाँ हजरत अली की कब्र है। वहाँ उन्होंने लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। मशहद से गुरुजी अब्दुल कादर जिलानी के प्रसिद्ध शहर बगदाद जा पहुँचे। जब गुरुजी वहाँ पहुँचे उस समय वहाँ पर खलीफा बकर और पीर अब्दुल रहमान का शासन था। गुरुजी ने अपना डेरा शहर के पूर्व खजूर के पेड़ों के घने जंगलों में कब्रिस्तान के पास बनाया। सुबह के समय भाई मर्दाना गुरबानी गाने लगे। इस धरती के नीचे भी दुनिया है और ऊपर भी दुनिया है। वेद कहते हैं तुम उन्हें जितना ढूंढोगे वो तुम्हें उतना ही मिलते जाएंगे। इस्लामिक धार्मिक किताबें कहते हैं ईश्वर ने 18,000 संसार बनाए हैं, परंतु असलियत में इनकी कोई गिनती नहीं है, ये तो असंख्य हैं। अगर आप ईश्वर की बनाई दुनिया को ढूंढने निकलोगे, उसकी गिनती करोगे तो आप खत्म हो जाओगे, परंतु उसकी गिनती खत्म नहीं होगी। ओ नानक, वह ईश्वर ही महान है। ईश्वर को सिर्फ ईश्वर ही जान सकता है। भाई मर्दाना की गुरबानी वहीं पर खड़ा अब्दुल रहमान का चेला सुन रहा था। वह तुरंत दस्तगीर के पास गया और बोला, जनाब हद हो गई, कुछ हिंदी फकीर कब्रिस्तान के पास आए हैं। वे कहते हैं अनगिनत संसार हैं, यहाँ तक के वे संगीत बजा रहे हैं जो शरिया के खिलाफ है। ये लोग मुझे काफिर नजर आ रहे हैं। पीर अब्दुल रहमान यह सुनकर गुस्से से लाल हो गए। मेरा घोड़ा निकालो, आज मैं उन काफिरों को जिंदा दफन कर दूंगा। यह कहकर वह गुरुजी की ओर निकल गया। जब वह गुरुजी से कुछ दूरी पर था तो घोड़ा वहीं रुक गया। उसने घोड़े को मारा व हाका, परंतु घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही अब्दुल रहमान ने एक और देखा तो उसे फकीर 100 कदमों की दूरी पर बैठे दिखाई दिए। गुरुजी के चेहरे पर सूरज की रोशनी जैसी आभा थी। वह आभा इतनी तेज थी कि अब्दुल रहमान अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। यह देखकर उन्होंने सोचा,
यह क्या हो रहा है? मुझसे अच्छा तो यह जानवर है जो मुझसे मार खाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहा, और मैं बुरी भावना के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लानत है मुझ पर। अपने होश में आ अब्दुल रहमान, यह वही फकीर है जिसने काबा में करिश्मा किया था। यह वही फकीर है जिसके चरणों में रुकनुद्दीन गिर गया था। अब्दुल रहमान अपना अभिमान त्याग के घोड़े से नीचे उतरा और गुरुजी के चरणों में अपना सिर झुका दिया। ओ फकीर, मेरा हाथ थाम लो ताकि जब मेरे शिष्य इस बात को सुने तो वे सभी यह बता सके कि उनके फकीर को खुदा का रास्ता मिल गया है। ओ सच्चे पाशा, आपने इस अरब की धरती पर यहाँ के लोगों को एक अल्लाह का मार्ग दिखाया, परंतु मेरी झोली अभी तक खाली है। कृपा करके अपना आशीर्वाद मुझे दो। गुरुजी ने अपने चरणों में गिरे अब्दुल रहमान को उठाया और कहा, अब्दुल रहमान, तुम्हारी हाजिरी अल्लाह के दरबार में कबूल हुई, परंतु तुम अपने लोगों को यह कहकर आए हो कि तुम हमें जिंदा दफना दोगे, और अब तुम मेरे चरणों में हो। तुम्हारे प्रति तुम्हारे लोगों का विश्वास कम हो रहा है, यह देखकर वह तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब्दुल रहमान ने पीछे मुड़कर देखा, सैकड़ों लोग पीछे खड़े थे और उसे घूर कर देख रहे थे। परंतु वह यह देखकर घबराया नहीं। ओ सच्चे पाशा, जब मैं आपकी शरण में हूँ तो मुझे काहे का डर। उसने लोगों की तरफ देखा और कहा, ओ मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, मुझे फकीर के चरणों में देखकर अचंभा मत करो, क्रोध में मत आओ। मैं यह सब इन्हें परखने के बाद कर रहा हूँ। मैं इन्हें पहचान चुका हूँ। ये महज एक पीर नहीं, एक नबी है। मेरी आंखों से देखो, तुम्हें दिखेगा दोनों जहाँ के सच्चे पाशा यही हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ से संसार शुरू होता है और जहाँ तक खत्म होता है, हर कोई इनके आगे अपना सर झुकाता है। तुम लोग भी आओ और इनके सम्मान में अपना सर झुकाओ। ओ लोगों, मेरे परिवार के लोगों ने कई सालों से तुम्हें अल्लाह का मार्ग दिखाया है। आज मेरे पूर्वज जिन्होंने तुम्हें अल्लाह का मार्ग दिखाया था, वे सभी मर चुके हैं और मैं भी मर जाऊंगा, परंतु यह नबी जीवन और मरण से ऊपर है। अब्दुल रहमान के इन शब्दों को सुनकर सभी गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए। अब्दुल रहमान अब रोज गुरुजी के सत्संग में आने लगे और सभी लोग करतार का नाम जपने लगे। बगदाद में श्री गुरु नानक देव जी का नाम फैलता जा रहा था। भारी भीड़ में लोग गुरुजी को सुनने आ रहे थे। वहीं पर एक पीर थे जिनका नाम पीर भेलौल था। अभी सूर्य की किरण निकली भी नहीं थी कि वह अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे। अचानक वे खड़े हुए और बोले, मेरे दोस्तों, खड़े हो जाओ, हमें अल्लाह के बंदे से मिलने जाना है। नहीं नहीं, अल्लाह से ही मिलने जाना है। पीर गुरुजी के स्थान की ओर जल्दी जल्दी चलने लगे और उनके पीछे उनके शिष्य भी चल दिए। थोड़ी देर पश्चात वे कब्रिस्तान की ओर पहुँचे जहाँ गुरुजी लोगों को गुरबानी सुना रहे थे। वहाँ पहुँचते ही पीर बहलौल गुरुजी के चरणों में गिर गए। अपने पीर को गुरुजी के चरणों में गिरता देख पीर बहलौल के शिष्य भी गुरुजी के चरणों में गिर गए। आप इस धरती पर अल्लाह का रूप है, कृपया करके अपना आशीर्वाद इस धरती को दे जो आपके दीदार के लिए बरसों से इंतजार कर रही थी। गुरुजी बोले, ओ पीर, मुझे तो यहाँ आना ही था। तुम्हारे भाई अब्दुल रहमान का प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है। आपकी दया और आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे खुशी है कि अब्दुल रहमान अब आपका हो गया है। मेरा धन्यवाद मत करो, मैं तो इसी काम के लिए आया था। हजरत, इस धरती पर आपने अपना कदम रखकर इसे पवित्र कर दिया है। यह धरती ऐसे पवित्र हो गई है मानो किसी ने इसे दूध से धो दिया हो। परंतु मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूरी कर दो। पीर बहलौल, यह धरती इंसान की इच्छाओं से भरी है, परंतु अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। परंतु मेरी इच्छा के पीछे कोई लालच नहीं है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ आप अपने पवित्र कदम मेरे घर में भी रखें। गुरुजी बोले, क्या तुम आजाद पक्षियों को पक्के मकानों में रखना चाहते हो? पीर बहलौल ने गुरुजी से कहा, नहीं नहीं हजरात, मैं महलों में नहीं रहता, मेरी तो एक छोटी सी झोपड़ी है।
ठीक है, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलेंगे। गुरुजी बहलोल की कुटिया के फर्श पर बिछी एक चादर पर बैठ गए। पीर बहलोल ने गुरुजी से कहा, कृपया मुझे बताएं रसूल कैसे हैं, पैगंबर कैसे हैं? अपनी आँखों से देख लो। पीर बहलोल ने अपनी आँखें बंद की। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं जो आपने मुझे रसूल प्रोफेट साहिब के दीदार करवाए। मैंने क्या देखा मैं उसका विवरण नहीं कर सकता, पर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरी अंतिम इच्छा भी मान जाए, आप मेरे यहाँ भोजन करें। गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी की मुस्कुराहट को पीर बहलोल ने हाँ समझा और उमर राजा नामक व्यक्ति को बुलाया। मेरे अजीज उमर, जाओ बाजार से खाने का सामान लेकर आओ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सच्चे गुरु की खिदमत करने का मौका मिला है। गुरुजी ने उमर से कहा, उमर तुम शहर सामान लेने जा रहे हो, पर याद रहे उसी दुकानदार से सामान खरीदना जो इंसान हो। ठीक है। उमर ने इस बात को हल्का लिया और गुरुजी को हाँ कहकर जाने लगा, परंतु गुरुजी ने उसे फिर रोका और उससे कहा, सिर्फ इंसान से ही लेना, एक सच्चे इंसान से। उमर गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बोला, आपने इस शहर में अपने पवित्र कदम रखे हैं। यहाँ पर हर इंसान नेकी से जी रहा है, कोई बुरे काम नहीं करता। यहाँ तक कि यहाँ के जानवर भी यही चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष मिले। यह पीरों की धरती है, इसलिए यहाँ पर कोई बुरा नहीं है। गुरुजी बोले, उमर यह बात एक आधारहीन बात है जो भ्रम व घमंड से कही गई है। हर इंसान अपना कर्म कर रहा है, उसका अपना कर्म ही उसे मोक्ष दिला सकता है। हम कैसा कर्म कर रहे हैं यह हम जानते हैं, पर सभी की जिम्मेदारी खुद ले लेना सही नहीं है। जैसे ही उमर ने अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश की, तभी गुरुजी ने अपने बालों में कंघी चलाई और बालों के दो गुच्छे बना दिए और उमर से पूछा, यह क्या है? यह बाल हैं और क्या है? उमर तुम्हें लोगों को इनके माध्यम से देखना है। कुछ भी खरीदने से पहले दुकानदार को इनकी नजरों से ही देखना है। तुम्हें तभी सौदा खरीदना है जब वह दुकानदार इंसान हो, और सामान खरीदने के बाद यह सिक्का उस इंसान को दे देना। उमर ने दोनों चीजों को संभाल कर रखा और सौदा खरीदने शहर की ओर निकल गया। उमर पहली दुकान पर पहुंचा। उमर ने दुकानदार को बालों के माध्यम से देखा। परंतु उमर यह देखकर अचंभे में पड़ गया कि वह दुकानदार हिरन के रूप में दिखने लगा था। उमर दूसरी दुकान पर पहुंचा, परंतु जब उसने उस दुकानदार को गुरुजी के बालों के माध्यम से देखा तो वह उसे मुर्गी दिखने लगा। उमर कई दुकानों पर गया, परंतु सभी जगह ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने सही कहा था कि हम सभी को एक नजर से नहीं देख सकते। जो लोग यह मानते हैं कि हम पीर के शहर में रह रहे हैं, उसका आशीर्वाद हमारे सर पर है और हमें मोक्ष मिलेगा, यह बात गलत है। यहाँ के अधिकतर लोग जीवन मरण के खेल में अपने आप को पशु पाएंगे। मेरे साथ क्या होगा? मैं तो अपने आप को यह समझता था कि मैं पीर के साथ रह रहा हूँ, मुझे मोक्ष मिलेगा, परंतु अब मेरे साथ क्या होगा? उमर अगली दुकान पर पहुंचा। उसने गौर से उस आदमी को बालों के माध्यम से देखा। या खुदा, आखिर मुझे इंसान मिल गया। भाई यह लो यह सिक्का और मुझे खाने का सामान दे दो। दुकानदार ने सिक्के को माथे से लगाया और बहुत सा खाने का सामान उमर को दे दिया। उमर ने उस दुकानदार से कहा, भाईजान मुझे लगता है आपने गलती करी है, मैंने सिर्फ एक सिक्का दिया है और आपने मुझे इतना सारा सामान दे दिया। भाईजान यह सामान इस सिक्के की कीमत नहीं है, यह सिक्का तो अनमोल है। यह सामान तो मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपने मुझे इस सिक्के को हाथ में लेने का मौका दिया। उमर ने उस दुकानदार के पांव पकड़ लिए और उनसे कहा, आप मुझे अल्लाह के बंदे दिखते हैं, मैंने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पीर का हाथ पकड़ा है। कृपया मुझे बताएं क्या मुझे मोक्ष मिलेगा या मेरा हाल भी उन लोगों के जैसा होगा जैसा हाल मैंने आज लोगों का देखा है। दुकानदार ने अपना हाथ उमर को शीशे की तरह दिखाया।
उमर अपनी योनि को कुत्ते के रूप में देखकर कांपने लगा। ओ अल्लाह के बंदे, मुझे राह दिखाओ ताकि मुझे अगला जन्म पशु का ना मिले। इंसान को पशु और पशु को इंसान की योनि देना मेरा कर्म नहीं है, यह मेरे बस की बात नहीं है। तो यह कौन कर सकता है? वही जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। यह सुनते ही उमर गुरुजी की ओर दौड़ा। दौड़ते हुए वह बोल रहा था, नानक पीरों के पीर है, जो नानक को नहीं मानता वह नरक में जाएगा। बहलोल और उमर ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। बहलोल ने उनके सम्मान में एक तीर्थ स्थान बनवाया। इसी इमारत के सामने एक पत्थर की शिला है जिस पर लिखा है, गुरु शब्द का अर्थ अरेबिक व्याकरण के अनुसार रब उल अलामिन है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो संसार का पालन पोषण करे, और मुराद अली का अर्थ है जो सभी की मुरादों को पूरा करे। रब उल माजिद का अरेबिक में अर्थ ईश्वर है। इस शिला पर जो लिखा गया है वह अरेबिक और टर्किश को मिलाकर लिखा गया है, जिसका अर्थ कई विद्वानों ने निकालने की कोशिश की है, और जो तारीख इस पर लिखी है वह है 26 दिसंबर 1511। प्रथम विश्व युद्ध में सिख सिपाहियों ने बगदाद में इस स्थान पर एक कमरा बनवाया। विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से सहजधारी सिख सिंध से निकलकर बगदाद में चले गए और वहां अपना निवास बनाया। गुरुजी के सिखों ने वहां गुरुद्वारा बनवाया और वहां पर ही इस पत्थर की शिला को मुख्य द्वार पर रखा गया। गुरुद्वारे के साथ में ही पीर बहलोल का भी मकबरा है, जिसके दर्शन सिख संगत आदर के साथ करने जाती है। बहलोल के गुरुजी के सिख बन जाने के कारण सारा वातावरण गुरुजी में ढल चुका था। पीर बहलोल और पीर अब्दुल रहमान जब गुरुजी के सामने नतमस्तक हो गए तो उसके पश्चात गुरुजी के दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ने लगी। एक दिन गुरुजी और भाई मर्दाना सिमरन कर रहे थे। भाई मर्दाना ने रिबाब बजाना बंद किया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आपकी कृपा से मुझे इस पीरों की धरती के दर्शन हुए हैं, परंतु यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है। क्या हमें ऐसे स्थान पर नहीं चलना चाहिए जहाँ का पानी मीठा हो? पीर बहलोल ने भाई मर्दाना से कहा, नहीं नहीं भाई मर्दाना, अभी तो गुरुजी को यहाँ और रुकना है। गुरुजी बोले, मैं यहाँ रहूँगा या नहीं रहूँगा यह तो अल्लाह की मर्जी है, परंतु कोई भी मेरा प्रिय प्यासा नहीं रहना चाहिए। मर्दाने, इस धरती ने अल्लाह का भजन सुना है, उसके भक्तों ने यहाँ उसकी पूजा और बंदगी की है। यह धरती तुम्हें जरूर मीठा पानी देगी। लोगों से कहो यहाँ खोदो, अल्लाह दया करेंगे। गुरुजी के कहने पर जमीन को खोदा गया। गुरुजी की कृपा से मीठे पानी का चश्मा निकल आया। आज भी उस जगह के आसपास कुओं का पानी खारा है, परंतु जिस कुएं को गुरुजी के कहने पर खोदा गया था उसका पानी आज भी मीठा है। सियातू बाबा नानक फकीर को पूरा पढ़ने के बाद मुस्ताक हुसैन गुरुजी से बहुत प्रभावित हुए और वह अपने पिता के कमरे में गए। कमरे में पहुंचकर मुस्ताक अपने पिताजी से बोले, अब्बू मैं 4 दिनों से सियातो बाबा नानक फकीर पढ़ रहा हूँ, यह कोई किताब है या ईश्वर का करिश्मा? आपको इसे पढ़ना चाहिए। मुश्ताक, नानक के किस्से कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं है, इन कहानियों के लिए इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? नहीं अब्बू, ये मात्र कहानियाँ नहीं है, आप इसे ध्यान से पढ़ें और उसके बाद हम इसके बारे में वार्ता करेंगे। 3 दिन बीत गए परंतु अब्बू का कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत उदास था और मैंने सोचा मुझे बैतुल मुकद्दस जाना चाहिए। यह वही स्थान है जहाँ पर नाना फकीर ने सबसे पहले अपने कदम रखे थे और यहाँ के लोगों को अपना आशीर्वाद दिया था। मैं बैतुल मुकद्दस गुरुजी की यात्राओं के बारे में और जानने के लिए निकल पड़ा।
बैतुल मुकद्दस में मेरा सामना एक फकीर से हुआ जो सिब्बी जाति से था और वह गुरुजी का सिख था। उसने मुझे साहिब का एक गुटका दिखाया और वह मुझे उस स्थान पर ले गया जिस स्थान को नानक शाह कलंदर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर मुझे चार और लोग बैठे दिखाई दिए जो अरेबिक में भजन गा रहे थे। जब उनका भजन खत्म हुआ तो मुश्ताक हुसैन ने उनसे पूछा, आप किस पर विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास हिंदुस्तानी फकीर पीर नानक शाह में है। आपका नबी कौन है? नानक हमारे नबी हैं। क्या तुम्हारे नानक में वो तीन बातें हैं जो एक प्रॉफिट नबी में होनी चाहिए? इस्लाम के अनुसार किसी भी प्रॉफिट या नबी में तीन लक्षण होते हैं। पहला लक्षण, वह कभी यह नहीं कहता कि जो हो रहा है वह उसकी वजह से हो रहा है, अथवा वह यह कहता है कि जो भी कुछ हो रहा है वह उस ईश्वर की रजामंदी से हो रहा है। वह यह बता सकता है कि पहले क्या हुआ था और वह यह भी बता सकता है कि आगे क्या होगा। दूसरा लक्षण, प्रॉफेट या नबी में चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। वह जादूगर नहीं है, परंतु किसी का भी जादू उसके सामने नहीं चल सकता। ईसा मसीह लाइलाज बीमारियों को ठीक कर देते थे। मूसा अपनी शक्तियों से सभी जादूगरों को उनका स्थान दिखा देते थे। मोहम्मद साहब ने कुरियाश को समझाने के लिए कुछ क्षण के लिए चांद के दो टुकड़े कर दिए थे। तीसरा लक्षण, प्रॉफिट के ढेरों अनुयायी बन जाते हैं। बताओ मुझे, क्या तुम्हारे नबी के अंदर ये तीन लक्षण हैं जो इस्लाम के अनुसार किसी भी प्रॉफिट में होने जरूरी हैं? उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक गुटका निकाला। यह गुटका जपजी साहब इस बात का प्रमाण है कि नाना फकीर ने अपने आप को कभी भी भगवान नहीं कहा। वो यह कहते थे जो हो रहा है वह उसकी रजामंदी से हो रहा है। कयामत के दिन तक यह बात सच रहेगी कि नानक फकीर ने मक्का को अपने संग घुमाया था। और तीसरा, हम सभी उनके शिष्य हैं। इन तीनों बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि नानक फकीर एक नबी थे। उनकी बातों को सुनकर मुझे बहुत शांति मिली और मैं वापिस अपने पिता के पास चला गया। मुश्ताक हुसैन वापिस अपने पिता के पास पहुंचे। दोनों के बीच इस विषय पर घंटों बात हुई, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। मुश्ताक हुसैन के पिता इस बात से डर रहे थे कि उनका बेटा इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। अपने पिता के साथ बातचीत का कोई परिणाम ना निकलने के पश्चात मैं कैकई और करबला पहुंचा। वहां पर मैं गुरुजी के अरेबिक सिखों से मिला। उन्होंने मुझे बताया, नानक वली अल्लाह से अलग नहीं है। कैकई और करबला की यात्रा करने के पश्चात मैं वापिस अपने पिता के पास गया। मुश्ताक, मुश्ताक, तुम क्यों नहीं समझते? प्रॉफेट साहिब ही हमारे नबी हैं और उनके पश्चात और कोई हमारा प्रॉफेट नहीं है। अब्बू, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉफेट साहिब हमारे नबी हैं, परंतु मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि उनके पश्चात और कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। मुश्ताक, तुम नानक उस काफिर की चार किताबें पढ़कर तुम इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हो। अभी दोपहर के दो बज चुके हैं। इस समय हम दोनों को नमाज पढ़नी चाहिए और तुम मेरा समय इस फिजूल की बातों में खराब कर रहे हो। मैंने ना तो खाना खाया है और ना ही पानी पिया है। इसके ऊपर तुम सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अब्बू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। अरब की 15% आबादी यूं ही नहीं नानक फकीर को मानती। क्या बात करते हो, 15% आबादी नानक को मानती है? ऐसा नहीं हो सकता। अब्बू, ऐसा ही है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उन लोगों से मिला सकता हूँ जो नानक फकीर को मानते हैं। क्यों नहीं, मैं जरूर मिलूंगा। मैंने वहाँ एक व्यक्ति से अपने अब्बू को मिलवाया। उसके पास एक जपुजी साहिब थी और गुरुजी की एक चरण पादुका और उसका नाम महबूब इब्ने जफर था। महबूब ने हमें बताया, यहाँ की एक बड़ी आबादी नानक फकीर को मानती है, परंतु डर के मारे कोई सामने नहीं आता। आज भी मदीना में 1400 ऐसे परिवार हैं जो गुरु के सिख हैं, जो उनको मानते हैं, अपने बाल नहीं कटवाते। वे लोग नानक और एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं।
अपने पिता के साथ इस विषय पर गहन विचार करने के पश्चात मैं पंजाब वापस जाना चाहता था ताकि मैं और नानक शाह फकीर के बारे में जान पाऊं। अपने पिता से वापस जाने की आज्ञा लेने के पश्चात मैं वापसी को निकल पड़ा। वापसी करते हुए मैं जिद्दा पहुंचा और वहां गुरुजी की याद में बनाए गए एक स्थान पर पहुंचा। वहां मुझे एक पीर मिले और उन्होंने मुझे बताया, नानक शाह फकीर इस संसार में अल्लाह के रूप में आए थे, बदकिस्मती से इंसान उन्हें पहचान नहीं पाया। जो भी नानक नाम लेगा उसे खुदा की अदालत में बख्शा जाएगा। उस पीर का नाम वालिद इब्ने साहिब था। वहाँ मैंने उनके पास अरबिक गुरुमुखी और गुरबानी की पुस्तकों को देखा। 1 मई 1930 को मैं अपने घर मीरपुर पहुँचा। उस समय वहाँ का माहौल बहुत ही खराब था। अंग्रेजों ने वहाँ एक अफवाह फैलाई और उन्होंने बताया कि एक हिंदू ने नमाज पढ़ते हुए मुस्लिम को लात मारी है। इसी झूठी अफवाह के कारण वहां मार काट शुरू हो गई। निर्दोष हिंदू और सिखों को मारा गया, औरतों के साथ जाति की गई और शहर की गलियां खून से लथपथ हो गई। यह सब देखकर मेरी रूह कांप गई और मैंने अपनी बीवी गुलजार से कहा, गुलजार, मैं यह मार काट नहीं देख सकता। मुझे वह रास्ता चाहिए जहाँ शांति हो, सुकून हो, और इसी रास्ते की तलाश में मैं लाहौर जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे वो राह जरूर मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। परंतु मेरा क्या होगा? मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं वापसी आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो। जो तुम्हें कबूल होगा वो मुझे भी कबूल होगा। मुझे चाहे आप जहाँ मर्जी ले जाना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। जो आपकी खुशी होगी वो मेरी भी खुशी होगी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम अपने माँ बाप को नहीं मुझे भी छोड़ रहे हो। दोनों पति पत्नी रोने लगे। गुलजार, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं वापिस आऊंगा। मैं भटका हुआ हूँ और मैं खोज पर जा रहा हूँ, वह खोज जो मुझे जीवन की राह दिखाएगी। मेरे लिए खुदा से दुआ मांगना कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। मेरी पत्नी ने मेरी कामयाबी की दुआ मांगी और मैं घर से शांति की राह ढूंढने निकल गया। गुलजार को मैंने वचन दिया कि मैं उसे वापस लेने जरूर आऊंगा और उसके पश्चात मैं लाहौर पहुंच गया। लाहौर में मैं अपने एक पारिवारिक मित्र के पास गया जिनका नाम मोहम्मद सदीक था। उन्होंने मेरे लिए रहने और खाने का प्रबंध किया। सुबह की नमाज के समय वहाँ के एक इमाम ने कहा, इस जुम्मे की नमाज वजीर खां मस्जिद में होगी, आप सभी आए, हम कश्मीर के जिहाद के बारे में लोगों से आह्वान करेंगे। जिहाद का मतलब इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान है। जिहाद के बारे में मैंने जैसे ही सुना मेरा मन विचलित होने लगा, क्योंकि मैं कश्मीर की हिंसा देखकर पहले से ही विचलित था। दिल्ली गेट के बाहर 50 बसें खड़ी हैं। जाओ, तुम्हें कश्मीर को जाना है और वहाँ जिहाद होगा। जो भी जन्नत में जाना चाहता है जाओ, बसों में बैठो। जैसे ही जन्नत का नाम इमाम ने बोला, लोगों की भीड़ बस अड्डे की तरफ दौड़ी। कश्मीर में पहले ही मारकाट मची हुई थी और मैं उस मौलाना का आह्वान सुनकर हैरान था। मैं भी उस बस अड्डे की तरफ पहुंचा जहां बसें खड़ी थी और एक बस की छत पर खड़ा होकर मैंने लोगों से कहा, मेरे प्यारे भाइयों, भावुक होकर अपनी जिंदगी खराब मत करो, कुरान के खिलाफ मत जाओ। मेरी विनती सुनो और कुरान की बातों पर ध्यान दो। जिहाद जब तक नहीं हो सकता जब तक उसे कोई इस्लामी शासक करने को ना कहे। नियमों को मानना ही कुरान और अल्लाह की बातों का पालन करना है। अगर आप सभी कश्मीर जाओगे तो आप सिर्फ वहाँ के राजा के खिलाफ ही नहीं लड़ोगे, अथवा आप वहाँ कुरान और अल्लाह के खिलाफ लड़ोगे। आप सभी को कश्मीर के हालात समझने चाहिए। मैं खुद कश्मीरी हूँ और मैं वहाँ के लोगों की हालत जानता हूँ। अभी वहाँ जाना सही नहीं है। वहाँ का मसला अभी आगे तक पहुँच चुका है और आप लोगों के जाने से अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कश्मीर जाकर अभी कुछ नहीं मिलेगा। तभी हजरत अली मौलाना साहिब आए और लोगों को कहा, मूर्खो, तुम बसों में क्यों नहीं बैठते? मौलाना जी, इन साहिब ने कहा है वहाँ जाना सही नहीं है और वह इस्लाम के खिलाफ है। मौलवी ने लोगों को लाख समझाया परंतु कोई बस में नहीं बैठा।
मौलवी जफर अपने दफ्तर चला गया और उसने वहाँ एक अखबार में खबर पढ़ी और उस खबर में लिखा था, मुसलमानों को छल से बचाओ। असलियत में यह खबर मैंने ही वहाँ के अखबारों में छपवाई थी। उस खबर में मैंने लोगों को यह बताया था कि कश्मीर में क्या हो रहा है, लोगों का कत्लेआम सही नहीं है, और इस बात को साबित करने के लिए मैंने बहुत सी धार्मिक किताबों का भी उल्लेख उस लेख में किया था। इस खबर को पढ़ने के पश्चात उस मुल्ला ने मेरे पिता को मेरी शिकायत पत्र के माध्यम से करी। पत्र मिलने के पश्चात मेरे पिता ने भी मुझे एक पत्र लिखा। पिता का पत्र पढ़ने के पश्चात मुझे याद आया कि मैं तो किसी और ही राह पर जाने के लिए कश्मीर से निकला था। मैंने आर्य समाज धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया। 21 दिनों तक मैंने आर्य समाज धर्म के बारे में पढ़ा, परंतु 21 दिनों के बाद जब नियोग के बारे में पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। नियोग के बारे में आर्य समाज कहता है कि अगर किसी विधवा और विदुर की कोई संतान नहीं है तो वह बिना विवाह के भी नियोग कर सकता है। अगर एक से संतान प्राप्ति नहीं होती तो 7 लोगों तक नियोग किया जा सकता है। यह बात मुझे सही नहीं लगी। इसके पश्चात मैंने ब्रह्म समाज सनातन धर्म के बारे में पढ़ा, परंतु मुझे वो रास्ता नहीं मिला जिसकी तलाश में मैं कश्मीर से लाहौर आया था। मैं लाहौर में इधर उधर ईश्वर पाने के सही मार्ग को ढूंढने के लिए भटक रहा था। मैं पूरी तरह से मायूस हो चुका था। थक हार कर मैं मस्जिद के बाहर बैठ गया। तभी मैंने देखा एक सरदार जी पास से गुजर रहे हैं। जाने क्या हुआ, मुझे अरब की अपनी पूरी यात्रा सामने दिखने लगी और मैं उनके पास जाकर बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? वीर जी, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? वीर जी, गुरुद्वारे के द्वार तो सभी के लिए खुले हैं, तो तुम क्यों नहीं आ सकते? हम गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब पहुंच गए। उन्होंने अपने जूते उतारे और गुरुद्वारे के अंदर चले गए। बाहर खड़े सेवादार से मैंने पूछा, इस गुरुद्वारे का प्रधान कौन है? इस गुरुद्वारे के प्रधान जत्थेदार अचर सिंह हैं। वे महाराजा रंजीत सिंह भवन में रहते हैं। मैं जत्थेदार के घर पहुँच गया। जत्थेदार बहुत ही विद्वान और धार्मिक व्यक्ति थे। जब उन्होंने देखा एक मुस्लिम दुर्रा पगड़ी पहने हुए उनके घर में घुसा है, तो वो खुद खड़े होकर मेरे पास आए और मुझसे बोले, क्या चाहिए आपको? मैं सिख धर्म के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे उनके उत्तर दें तो। अंदर आओ वीर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, सिख लोग एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, परंतु मैं जब गुरुद्वारे गया था तो मैंने वहाँ गुरुओं की तस्वीर लगी हुई देखी। क्या यह दोगला रवैया नहीं है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि एक ईश्वर है और दूसरी तरफ 10 गुरुओं को भी पूजते हैं। आप गलत समझ रहे हैं वीर जी। गुरुओं की तस्वीरें तो हमें हमारा इतिहास याद दिलाती हैं, उन्हें हमने पूजने के लिए नहीं रखा है। मैंने गुरुद्वारे में देखा लोग गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक रहे हैं। क्या यह मूर्ति पूजा के समान नहीं है? आपने सही कहा, सिख लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकते हैं, परंतु उसका कुछ कारण है। सिख उस हर एक चीज के सामने अपना सिर झुकाएगा जो उसे एक ईश्वर तक पहुंचाए, जो उसे एक ईश्वर का ज्ञान दे। अगर ग्रंथों में ईश्वर को पाने की शिक्षा नहीं है तो वो मात्र कागज के पोथे हैं। हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने इसलिए मत्था टेकते हैं क्योंकि उसमें हमें उस इक्योंकार को पाने के लिए ज्ञान है। वह हमें सिखाता है कि कैसे ईश्वर को पाओ। मैंने सुना है श्री गुरु नानक देव जी इस्लाम की प्रशंसा करते थे और वे प्रोफेट साहिब के विचारों को मानते थे। गुरु जी तो किसको नहीं चाहते थे, उनके लिए तो सभी प्यारे थे, परंतु वो मुसलमानों के द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध थे। मैंने यह सुना है कि नानक जी इस्लामी पूजा करते थे और गुप्त रूप से वे इस्लाम को मानते थे। इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कोई भी सिख ऐसी बात कभी नहीं कहेगा। पूर्व जन्म के बारे में सिखिज्म क्या कहता है? जत्थेदार साहिब ने मुझे बताया, आत्मा अजर और अमर है, और मुझे इस प्रश्न का जवाब जपजी साहिब के माध्यम से दिया। आखिर आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मुझे सत्य की तलाश है। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि सिख धर्म मोक्ष दिला सकता है। मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ। मुझे कृपया करके नानक नाम का अमृत चखाएं और मुझे उनकी शिक्षाओं के बारे में बताएं। मुझे ऐसा दिखता है कि तुम एक संपन्न मुस्लिम परिवार से हो। सिख धर्म का रास्ता बहुत कठिन है, मुझे नहीं लगता तुम उस रास्ते पर चल सकते हो। क्या इस रास्ते पर हर किसी के जाने की मनाही है?
मेरे इस प्रश्न का जवाब जत्थेदार साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1412 के दोहे से दिया। हे भाई, अगर तुझे प्रभु प्रेम खेलने का शौक है तो अपना सिर तली पर रखकर मेरी गली में आ। लोक लाज अहम छोड़ कर आ। प्रभु प्रेम के इस रास्ते पर तभी पैर रखा जा सकता है जब आपको प्रभु के लिए अपना सिर भेंट करने में भी कोई शंका ना हो, अर्थात बिना किसी झिझक के लोक लाज और अहम छोड़ कर आओ। यह सुनकर ही मेरी आंखों में आंसू टपकने लगे। मेरी आंखों में देखो, तब पता चलेगा आपको कि मैं इस राह पर चलने को तैयार हूँ, अपना शीश हथेली पर रखने को तैयार हूँ। जत्थेदार साहिब मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मैं 4 घंटों तक उनसे विनती करता रहा, परंतु वो खड़े हुए और मुझे जाने से पहले बोले, शाहजी, सिखिज्म का रास्ता इतना आसान नहीं है। और यह कहकर वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत मायूस हुआ। ऐसा मालूम होता था मानो मुझे त्याग दिया गया हो। परंतु तुरंत ही मेरी आत्मा ने मुझे कहा, उदास मत हो, कल फिर आना। शायद वो तुझ पर कल गुस्सा करें, तुझे डांटें, तू फिर भी आ। अगली सुबह मैं फिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां मैंने कल जत्थेदार से घंटों विचार विमर्श किया था। सुबह का समय था और गुरुद्वारे में गुरबानी चल रही थी। कुछ देर के बाद मुझे जत्थेदार साहिब दिखाई दिए। जत्थेदार साहिब जी, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो शाहजी गुरुद्वारे में अंदर आ जाते, मैंने आपसे मिलने का लक्ष्य रखा था। गुरुद्वारे में अंदर मुझे कोई नहीं जानता और मैं पहले कभी गया भी नहीं, इसलिए झिझक रहा था। अब मैं अभी आता हूँ। 2 घंटे बाद जत्थेदार वापिस आए। शाहजी, क्या सोचा, अगर ईश्वर भक्ति में सर भी भेंट करना पड़े तो क्या तैयार हो? जत्थेदार जी, मेरी कल की विनती मान लो, मैं नानक जी की भक्ति में डूब रहा हूँ। देखो यह किताब सियाथो बाबा नानक फकीर, मैंने जब से यह किताब पढ़ी है मेरा दिमाग उसी ओर जा रहा है, मुझे अपने चरणों में जगह दो। जत्थेदार के चरणों में मैंने अपना सर झुका दिया और मेरी पगड़ी सर से निकलकर नीचे गिर गई। शाहजी, तुम सिखिज्म के बारे में जानना चाहते हो और उसे अपनाना चाहते हो, परंतु सिर पर पगड़ी टुर्रे वाली पहनी हुई है। टुर्रे वाली पगड़ी अभिमान और ठाट बाट का प्रतीक है। अहम और अभिमान का सिखिज्म में कोई स्थान नहीं है। सिख धर्म विनम्रता का घर है, यह नीवा होना सिखाता है। यह सुनते ही मैंने अपनी पगड़ी उठाई और उसे फेंक दिया। शाहजी, आज का समय और ले लो, थोड़ा और सोच लो, फिर आना कल, तब देखेंगे क्या किया जा सकता है। यह बात सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे आशा की किरण दिखने लगी थी। मैंने पगड़ी को नए तरीके से पहना और वापिस अपने स्थान दत्ता बख्श पहुंच गया। सभी मेरी नई पगड़ी पहनने के तरीके को देखकर हैरान थे। अगली सुबह 5 बजे मैं जत्थेदार साहिब के घर पहुंच गया। जत्थेदार साहिब गुरुद्वारे जाने को तैयार थे। वो मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। जत्थेदार जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, मैं फिर आपके पास आ गया हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, मुझ पर दया खाओ। जत्थेदार साहिब मुझे गुरुद्वारे ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे सरदार अमरजीत सिंह प्रेसिडेंट, सरदार कर्मा सिंह भांबा वाइस प्रेसिडेंट अथवा ज्ञानी खजान सिंह से मिलवाया। सभी ने मेरी अरब यात्रा के बारे में सुना। यूं ही चलता रहा और एक दिन मुझे जत्थेदार साहिब गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब ले गए। मैंने वहां श्री अकाल तख्त साहिब के दर्शन किए और गुरु का प्रसाद चखने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिली। इसके पश्चात मैं वापस जत्थेदार साहिब के साथ लाहौर आ गया। लाहौर वापिस पहुंचकर गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब में गुरुबाणी सुनकर और श्री हरमिंदर साहिब के दर्शनों को पाकर मेरा अशांत मन शांत हो चुका था। इसके पश्चात मैं अपनी बेगम गुलजार से मिलने मीरपुर पहुंचा। गुलजार, 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 मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, मेरी तलाश पूरी हो गई है। अब मैं गुरु के रास्ते पर चलूंगा, सच्चा सिख बनूंगा। मैंने सिख धर्म अपनाने का फैसला कर लिया है, परंतु मैं अपना फैसला तुम्हार को कबूल करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम एक अमीर परिवार से हो, अगर तुम चाहो तो तुम अपने पिता के घर जा सकती हो और तुम चाहो तो तुम मेरे पिता के घर भी रह सकती हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने वापिस आऊँगा और मैं तुमसे मिलने वापिस आ गया, परंतु अब जो मैं जाऊँगा वापिस नहीं आऊँगा। मैं नहीं चाहती आप मुझे छोड़ें,
आपके बिना चाहे यह घर हो या मेरे पिता का, वह कब्रिस्तान के समान है। आप जो चाहते हैं मुझे भी मंजूर है, परंतु यह बात किसी को मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ रात के अंधेरे में हम दोनों किसी को कुछ बिना बताए अपना घर छोड़कर यहाँ से चले जाएं। परंतु रेलवे स्टेशन काफी दूर था। मुझे याद आया हमारे पड़ोस में एक सिख परिवार रहता है। मैं उनके घर गया। सोहन सिंह दरवाजा खोलो, सोहन सिंह दरवाजा खोलो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी भाई जी, वाहेगुरु जी, आओ अंदर आओ। परंतु यह सब क्या है? मैंने सोहन सिंह को अपनी पूरी बात बताई। पहले सोहन सिंह सोचता रहा कि शायद मैं कोई चलाकी चल रहा हूँ, परंतु जब मैंने लाहौर के प्रसिद्ध सिखों का नाम लिया, उसे भी यकीन हो गया कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। भाई जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? भाई सोहन, मुझे और मेरी बीवी को रेलवे स्टेशन जाना है। आप हमें सुबह से पहले झेलम स्टेशन तक पहुँचने का प्रबंध करवा दें। मैं आपकी सेवा कर धन्य हो जाऊंगा। सोहन सिंह ने तीन खच्चरों का प्रबंध किया। एक खच्चर पर मैं बैठ गया, दूसरे खच्चर पर मेरी बीवी और मेरा बेटा, और तीसरे खच्चर पर सामान रखा गया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। रेलवे स्टेशन जाते हुए हमें एक अजीब सी खुशी हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हम अपने उन परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं जिनसे हम काफी समय के पश्चात मिल रहे हैं। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो मुझे एक नई चिंता सताने लगी। मैं यह सोच रहा था कि मेरी बीवी बुरके में कैसे गुरुद्वारे में जाएगी। मैंने लाहौर शहर में अरेबिक पढ़ी थी और मैं उस शहर के बारे में जानता था। मैं यह जानता था कि किसी गलत इंसान ने अगर हमें गुरुद्वारे में जाते देख लिया तो शायद मुश्किल हो जाए। जब गुरु आपको कष्टों में परख रहे होते हैं, उस समय सच्चे सिख का कर्तव्य यही है कि वह अपना विश्वास गुरु में बनाए रखे। मेरा दिमाग सोच ही रहा था तभी मुझे याद आया मेरे पिता के एक शिष्य जिनका नाम इमाम दीन था, वो हमारी सहायता कर सकते हैं। हम उनके घर पहुंच गए। इमाम दीन हमारे परिवार को देखकर बहुत खुश हुआ। वल्ला, मेरे पीर का बेटा मेरे घर आया है, मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। मैंने अपने परिवार को उसके घर छोड़ा और मैं और इमाम दीन तांगे में बैठकर गुरुद्वारा डेरा साहिब पहुंच गए। गुरुद्वारे में पहुंचकर मैंने अचर सिंह से कहा, जत्थेदार साहिब, मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गया हूँ, परंतु मुझे एक चिंता सताए जा रही है। मेरी बीवी बुरखा पहने हुए है और अगर ऐसी हालत में वह गुरुद्वारे में आई तो धार्मिक दंगे हो सकते हैं। आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? मुश्ताक, तुम इस रविवार को अकाल तख्त अमृतसर चले जाओ और वहाँ अमृत चखने की मर्यादा पूरी करो। एक बारी अमृत चख लिया तो तुम लोग वापस लाहौर में आ जाना। मैं बहुत खुश था कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ अमृत चखने जा रहा हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1428 में लिखा है, मनुष्य मोह माया के फेर में कुछ और ही मांगता है, कुछ और ही सोचता है, परंतु जो वह सोचता है वह नहीं हो पाता। वह औरों को ठगने की सोचता है, परंतु मोह का फंदा उसके गले में ही आ पड़ता है। रात हमने शाहदरा में बिताई और अगली सुबह हम अमृतसर रवाना होने के लिए स्टेशन पर पहुंच गए। गुलजार, मैं टिकट लेने के लिए जा रहा हूं, तुम यहीं पर खड़ी रहो। परंतु जब मैं टिकट लेकर वापिस आया तो मैंने देखा मेरी बीवी के पास हमारा रखा हुआ सूटकेस चोरी हो चुका था। उस सूटकेस के अंदर मेरी बीवी के जेवरात और 700 रुपए थे और कुछ कीमती सामान और था। मेरी बीवी पहली बार सफर कर रही थी और उसे स्टेशन पर होने वाली चोरियों का अंदाजा नहीं था। आनंद फानन में हम अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में पूरा दिन लग गया और उसका कोई परिणाम भी नहीं निकला। इसी वजह से रविवार के दिन हम अमृतसर नहीं पहुँच पाए। सोमवार के दिन हम अमृतसर पहुंच गए। मैंने अपनी बीवी और बच्चे को घंटा घर के पास बिठाया और गुरुद्वारे में अमृत चखने की मर्यादा के बारे में जानने के लिए पहुंच गया। भाई जी, हमें सरदार अचर सिंह ने भेजा है, कल हमारी अमृत चखने की मर्यादा पूरी होनी थी, परंतु हम किसी कारणवश आ नहीं पाए, आज हमें अमृत चखवा दीजिए। भाई जी, ऐसा नहीं होता। अमृत चखवाने के लिए एक विशेष व्यक्ति आते हैं। वो कल आए थे, वो घंटों इंतजार करते रहे, परंतु आप और आपका परिवार नहीं आया। मैं SGPC के दफ्तर गया, परंतु वहाँ पर मेरी बात किसी ने भी ढंग से नहीं सुनी।
और मैं मायूस होकर अपनी बीवी और बच्चे के पास आ गया। गुलजार भाई जी कह रहे हैं कल कोई व्यक्ति आया था, हमारा इंतजार करता रहा और वापिस चला गया। अमृत चखने की मर्यादा रोज नहीं होती, वह तो सप्ताह में एक बार होती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मेरी बीवी जिसके जेवरात पहले ही खो चुके थे, उसने एक लंबी सांस ली और मुझसे कहा, मैंने आपसे वादा किया है आप जिस शहर जाएंगे मैं भी उसी शहर जाऊंगी, पर मेरी बात ध्यान से सुने। पहले हमारी चोरी हो गई, अब यहाँ हमको अमृत चखवाने वाले भाई चले गए। शायद अल्लाह चाहते हैं हम अपने धर्म को ना बदलें। हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं और हमें यहाँ कोई पूछ भी नहीं रहा। हर कोई अपना धर्म बढ़ाना चाहता है, परंतु आप बता रहे हैं कि आपसे इस विषय पर किसी ने सही ढंग से बात नहीं की। अभी भी मौका है, हमें घर वापस चले जाना चाहिए। मानो गुलजार का दिमाग भटक रहा है, उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने उससे कहा, गुलजार हम एक नई डगर पर जा रहे हैं, हमें कामयाबी मिले इससे पहले हमें कठिन रास्तों पर गुजरना होगा। वहीं पर एक सिख बैठे थे जो हमारी पूरी बातें सुन रहे थे। उन्होंने हमसे कहा, हमारे गुरु ने सच्चे सिख के बारे में बताया है। एक सच्चा सिख वह है जिसके लिए सोना और मिट्टी दोनों बराबर हों। जैसा उसके लिए जहर है वैसा ही अमृत, जैसी खुशी है वैसा ही गम। किसी से उसे आदर मिलना है या अनादर मिलना है उसके लिए एक समान है। कंगाल और शहंशाह यानी अमीर और गरीब उसकी नजर में एक समान है। ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की रजा में रहता है, नानक कहते हैं ऐसा व्यक्ति जीवित मुक्त कहा जा सकता है, यानी उसको जीवित रहते हुए ही मोक्ष मिल जाए। बहन, सिक्खी के रास्ते पर यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हें दौलत मिलेगी या तुम सब कुछ खो दोगे। गुरु कहते हैं बस तुम्हें ईश्वर का जप करते जाना है। यह सब कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चले गए। सभी कुछ समान कैसे हो सकता है? खुशी और गम, अमीरी गरीबी, किसी के लिए समान कैसे हो सकती है? गुलजार, हर चीज में एक राज है। परंतु अब हम करें क्या, हमारे पास खाने को भी पैसा नहीं है। गुलजार, अगर तुम कहो तो मैं यह तुम्हारी सोने की अंगूठी बेच देता हूँ। अंगूठी बेचकर हमें जो पैसा मिला हमने उससे खाना खाया और जूलो गांव जो लाहौर के पास था वहां की रेल टिकट खरीदी। जूलो में हमारे परिवार का एक भक्त रहता था। हम वहां पहुंचे और मैंने वहां से गुरुद्वारा डेरा साहिब के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा और अपनी पूरी परेशानी बताई। दो दिन तक हम परेशान रहे और तीसरे दिन वहां पर गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब के स्टोर कीपर किशन सिंह हमारे पास आए। जैसे ही वो मेरे पास आए उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हें इतने कष्ट सहने पड़े। सिक्खी का रास्ता अक्सर बलिदान मांगता है। इतिहास गवाह है, सिखों ने सिक्खी को अपनी खाल खिंचवा कर, कोड़े खाकर, यहाँ तक के गरम तेल में रहकर खुशी खुशी सहा है। तुम उसी राह पर हो, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। सरदार जी, आपका बहुत बहुत आभार, परंतु मेरे परिवार के साथ आपका गुरुद्वारे में जाना शायद अभी सही नहीं है। आप जाएं, कल हम सुबह आपको वहीं मिल जाएंगे। अगली सुबह हम महाराजा रंजीत सिंह मेमोरियल पहुंच गए। हम सबको वहां देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेक्रेटरी ने रसोइये से कहा, इन लोगों के लिए गर्मा गर्म भोजन का प्रबंध करवाओ। गुरुमुखो, भोजन तो बाद में कर लिया जाएगा, क्या हमें पहले अमृत नहीं चख लेना चाहिए? शाहजी, अमृत चखना इतना आसान नहीं है, तुम्हें कम से कम 4 महीने की कड़ी परीक्षा देनी होगी। अगर तुम पास हो जाओगे तभी तुम अमृत चख सकते हो। यह सुनकर मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ और मेरे वहीं पसीने छूट गए। शाहजी, घबराओ मत, आप परीक्षा में जरूर पास हो जाओगे और तुम्हें अमृत जरूर मिलेगा। आओ अब भोजन कर लो। मेरी बीवी तो पहले से ही परेशान थी, परंतु सेक्रेटरी की बातें सुनकर हमारी परेशानी और बढ़ गई। मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे, अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो क्या होगा? इस तरह तो हम ना तो इस्लाम धर्म के रहेंगे और ना ही सिख धर्म के। मैं और मेरी बीवी भोजन भी ढंग से नहीं कर पाए। रात हो चुकी थी, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, हमने इस्लाम त्याग दिया है, हमें कम से कम वह धर्म अपनाना चाहिए था जिस धर्म में लोग हमारा स्वागत करें। मुझे नहीं लगता ये लोग हमारी ओर से विशेष परेशान हैं। गुलजार, इन लोगों के लिए शरीर का महत्व नहीं है, इन लोगों के लिए विचारों का महत्व है।
इन्हें अपने धर्म में लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, इन्हें तो वे लोग चाहिए जिनके दिल में ईश्वर बसता हो। जब इन्हें पता चलेगा कि हमारे दिल में ईश्वर है तो ये खुद ब खुद हमारे करीब आएंगे। तुम चिंता मत करो, अपना विश्वास बनाए रखो। गुरुद्वारे में मुझे और मेरी बीवी को जूते साफ करने का काम मिला। धीरे धीरे जितना प्यार और लगन हमारी सेवा में आता गया, वैसे वैसे ही संगत का प्रेम भी हमारी ओर आने लगा। जेठ माह के चौथे दिन मुझे और मेरे परिवार को अमृत चखवाया गया। मेरा नाम सरदार पृथ्वीपाल सिंह रखा गया और मेरी बीवी का सिंहनी इंद्रजीत और मेरे पुत्र को भगत सिंह का नाम दिया गया। उस दिन मन को प्रसन्न करने वाला कीर्तन हुआ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके पश्चात मैंने गुरुमुखी सीखी। अमृत चखने के एक साल के पश्चात मैं गुरुद्वारा पंजा साहिब अपने परिवार के साथ पहुंचा। सरदार त्रिलोक सिंह, जो गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के मैनेजर थे, उन्होंने मेरे जीवन के बारे में सुना और मेरे परिवार की बहुत सेवा की। अभी हमें मात्र कुछ ही दिन हुए थे हम पंजा साहिब पहुंचे थे कि मेरी बीवी को टाइफाइड हो गया। सरदार त्रिलोक सिंह ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को मेरी बीवी को दिखाया, परंतु मायूसी ही हासिल लगी और मेरी बीवी का देहांत हो गया। मेरी बीवी के देहांत ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैंने सरदार त्रिलोक सिंह से कहा, सरदार त्रिलोक सिंह जी, मुझे मेरे घर जाना होएगा, वहीं पर देहा संस्कार होएगा। सरदार त्रिलोक ने मेरी हिम्मत बंधाई और सिख धर्म के अनुसार मृत शरीर को शब्द बोलकर विदा किया। पार्थिव शरीर को लेकर मैं अपने पिता के घर पहुंचा। वहां मेरी बीवी का दाह संस्कार किया गया और हजारों लोग मेरे पिता के रुतबे के कारण वहां इकट्ठा हुए। दाह संस्कार के पश्चात मैं वापस पंजा साहब आ गया। मेरी बीवी मुझे, मेरे 6 साल के बेटे और 6 महीने की बेटी को अकेला छोड़ गई थी। गुरुद्वारे की पूरी संगत मेरे विषय में सोचकर परेशान व दुखी थी। सरदार त्रिलोक सिंह ने माता करतार देवी से कहा, जो अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ गुरुद्वारे में आई हुई थी, माता जी, आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपकी बेटी का विवाह करवा दूं। माता करतार देवी ने हाँ कर दी और मेरी बीवी की मृत्यु के 10 दिन के पश्चात मेरा विवाह राजकोर से गुरुद्वारे में किया गया। लोक सिंह जी, अब मैं अमृतसर दर्शन करने जाना चाहता हूँ। मैं अभी प्रबंध करवा देता हूँ। सरदार करतार सिंह ने जाने का पूरा प्रबंध कर दिया और अमृतसर SGPC में पंडित करतार सिंह को एक पत्र लिखा और बताया, मेरा परिवार और मैं अमृतसर पहुँच रहे हैं। पंडित करतार सिंह संस्कृत और पार्शियन में विद्वान थे। पंडित करतार सिंह से मैंने सिखी के बारे में बहुत कुछ सीखा और वो मेरे धार्मिक गुरु बन गए। अमृतसर पहुंचने के पश्चात मेरे सिख जीवन का तीसरा इम्तिहान हुआ। शहर में मुस्लिमों ने मेरी शिकायत डिप्टी कमिश्नर को कर दी। मुश्ताक हुसैन कश्मीर के प्रसिद्ध मुस्लिम परिवार का बेटा है और सिखों ने इसका विवाह सिख लड़की से करवा दिया है। विवाह तो छोड़ो, इन्होंने इसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया है। मुझे शहर में शांति हर हालत में चाहिए। मुश्ताक हुसैन, तुम अमृतसर से अभी निकल जाओ। अमृतसर में सिख का जाना मना होना ऐसा है मानो किसी मुस्लिम के लिए मक्का जाना मना हो। सरदार दलीप सिंह, जो वाइस प्रेसिडेंट SGPC थे, उन्होंने मुझे पंजा साहिब जाने की सलाह दी। मैं पंजा साहिब अपने परिवार के साथ चला गया, परंतु कुछ वक्त के बाद वापस अमृतसर आ गया, क्योंकि मैं यह नहीं सोच रहा था कि मुझे अमृतसर से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। जैसे ही मैं अमृतसर पहुंचा, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन का अफसर एक भला मुस्लिम था। उसने SGPC के लोगों को फोन कर बुलाया और उनसे कहा, आप लोग सैयद प्रतिपाल को अभी अमृतसर से निकलवा दें। पुलिस स्टेशन में SGPC के लोगों के साथ आया एक सिख, जिसका नाम रंजोत सिंह था, वह भी वहां मौजूद था, परंतु उसके दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा था। मुझे बाद में पता चला, रंजोत सिंह मेरी बीवी से प्रभावित था और उसने पुलिस वाले की सलाह को एक मौका समझा और कहा,
अरे भाई जी को मैं अपने पिंड तरिष्का लेकर जाऊंगा। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या काला चल रहा है और सभी ने हाँ कर दी। एसजीपीसी के सदस्यों और पुलिस के अधिकारी हमें रंजोत सिंह के साथ रवानगी के लिए बस अड्डे छोड़ आए। रंजोत सिंह ने हमें उसके घर की दूसरी मंजिल पर कमरा दिया और हमारा सामान किसी और के घर में रखा। मुझे लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है और मुझे रंजोत सिंह पर शक हो रहा है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, रंजोत सिंह एक दुष्ट आदमी है और वह हमें धोखा देगा। मैंने पढ़ा है जब एक सिख किसी को अपना मेहमान बनाता है तो वह उसकी सुरक्षा हर हालत में करता है। हम रंजोत सिंह की सुरक्षा में हैं, तुम परेशान मत हो, गुरुजी हमारे पर मेहर करेंगे। एक दिन मैंने सुना रंजोत सिंह की माँ मेरी बीवी से कह रही है, अरे तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हें सोने से पीला कर दूंगी, तुम क्यों उस पृथ्वीपाल के साथ रह रही हो। मेरी पत्नी मेरे पास आई और रोने लगी। जो वो कह रहे हैं वे सिख धर्म के खिलाफ है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगली सुबह रंजोत सिंह ने मुझे बिना किसी कारण मारना शुरू किया। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरी पत्नी मुझे बहुत मुश्किलों से हमारे कमरे में अधमरी हालत में लाई। मेरी पत्नी इस बात से बहुत डरी हुई थी कि शायद रंजोत सिंह मेरी हत्या कर देगा। अब मुझे भी रंजोत सिंह की सच्चाई का पता चल चुका था। मेरी पत्नी बुरी तरह से टूट चुकी थी। अगली सुबह वह अमृत वेला के समय उठी और गुरुजी की अरदास करने लगी। हे वाहे गुरु, रंजोत सिंह को सद्बुद्धि दो, आओ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो गुरुजी। अभी वह अरदास कर ही रही थी कि रंजोत सिंह का नौकर हमारे पास आया और बोला, सरदार जी आप अपने को बचाओ, रंजोत सिंह आपकी बीवी को चाहता है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर आपको मारने का षड्यंत्र रच रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ, जो मैंने आपसे कहा वह किसी से मत कहना, बस अपनी जान बचाओ, जान बचाओ, अपनी जान बचाओ। बाबा जी गुरुजी आपके रूप में हमें बचाने आए हैं, आपका यह एहसान हम कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमने अपना सभी सामान वहाँ पर छोड़ दिया और नंगे पांव ही वहाँ से निकल पड़े। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और गुरुवाणी का शब्द जप रहा था। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें और किसी सहायता की क्या जरूरत। जब मैं तेरा सेवक बनता हूँ तब तुम हमें सब कुछ दे देते हो, जब मैं तेरी सेवा में हूँ तो मुझे धन दौलत किसी और वस्तु की कोई कमी नहीं रहती। मैं तेरा नाम रूपी धन लोगों में बांटता हूँ और खुद भी इकट्ठा करता हूँ। तेरी कृपा से धरती के 84 लाख जीव मेरी सेवा करने लग जाते हैं। तू दुश्मनों को भी मित्र बना देता है। जब तुम मेरे साथ हो तो मेरा कोई बुरा क्या कर सकता है। जब तुम मुझे बख्शने वाले हो तो कोई नहीं है जो मुझसे मेरे कर्मों का हिसाब मांगे, क्योंकि गोविंद रूप गुरु को मिलकर मेरे अंदर ठंड पड़ जाती है, मुझे सुख प्राप्त होता है। जब तेरी रजा हो, तेरी कृपा मुझ पर हो तो मेरे सारे काम बन जाते हैं। जब तुम मेरे साथ हो तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। गुरुवाणी का यह शब्द उच्चारते हुए जून के गर्म महीने में हम नंगे पांव जंदियाला रेलवे स्टेशन लगभग 2 बजे पहुंचे। हमने स्टेशन मास्टर से निवेदन कर कहा, स्टेशन मास्टर जी हमारा यह टेलीग्राम एसजीपीसी अमृतसर पहुंचवा दे, बहुत जरूरी है। स्टेशन मास्टर मेरे नाम से मुझे पहचान गया, उसने मेरे बारे में अखबारों में पढ़ रखा था। हमने गुरुमुख स्टेशन ऑफिसर को अपनी पूरी आपबीती बताई। वह हमें तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन ले गया और हमारे ऊपर हुई अत्याचार की FIR दर्ज करवाई गई। इसके पश्चात स्टेशन मास्टर हमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिनका नाम दूला सिंह था उनके घर ले गया। दूला सिंह एक अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने गुरुद्वारा बनवा रखा था और गुरु का लंगर भी वह चलवाते थे। दूला सिंह जी ने हमें बड़े प्यार से अपने यहाँ रहने का स्थान दिया
उन्होंने वहां पुलिस स्टेशन में हमारे द्वारा की हुई एफआईआर पर कार्रवाई जल्दी करवाने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन में अपना संदेश भी भिजवाया। माता बेचिंत कौर, जो सरदार दुला सिंह की माँ थी, वह बहुत ही नेक औरत थी। उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा। हमारे पास पहनने को दूसरा जोड़ी कपड़ा भी नहीं था। सभी कुछ तो हम रंजोत सिंह के यहाँ छोड़ आए थे। अब माता बेचिंत कौर ने हमारे लिए नए कपड़े व और जरूरी सामान का प्रबंध करवाया, परंतु रंजोत सिंह ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने अपना एक परिचित हमारी जासूसी करने के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने हमें ऐसा महसूस करवाया जैसे कि वह हमारा शुभचिंतक है, परंतु उसकी असलियत हमें तब पता चली जब रात में वह हमारा सारा सामान लेकर चला गया। फिर से अब हमारे पास कुछ नहीं था। हमने वाहेगुरु का सिमरन किया। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे मालिक, आप मुझे जिस भी हालत में रखोगे मैं उसी हालत में रहूंगा। हे वाहे गुरु, मुझे शक्ति दो ताकि मैं आप में अपना विश्वास बनाए रखूं। जिसने भी तेरी राह को चुना है, तुम्हें चुना है, उसे बड़ी हिम्मत से भुगतान करना पड़ा है, बलिदान देना पड़ा है। चाहे वो भाई मनी सिंह हो, चाहे भाई तारू सिंह और भाई सुबेर सिंह, वो तीन शहीद हैं जिन्होंने मुगलों को अपनी जान दे दी, परंतु गुरु का नाम नहीं छोड़ा। भाई मती दास का जब अधमरा शरीर धरती पर गिरा था तो उनके जो आखिरी शब्द थे वो जपुजी साहिब के थे। एक भले गुरु सरदार सवरन सिंह ने हमें नए कपड़े दिलवाए। इसके पश्चात हम ओकारा से होते हुए बहावलपुर पहुंचे, जहां का नवाब रहीम खान था। उस शहर में एक बहुत ही भव्य गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे के सेक्रेटरी चनन सिंह ने हमारा स्वागत किया। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस आ रहा था और उस उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन हुआ। गुरुद्वारा प्रबंधक ने इस उपलक्ष्य में मुझे भी संगत के सामने अपने विचार रखने को कहा। मैंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं गुरुद्वारा कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे यह मौका दिया गया है कि मैं गुरुजी के बारे में आप सभी के सामने अपने दिल की बात रख सकूं। भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को पीर नियामतुल्लाह के बारे में बताने जा रहा हूं। पीर नियामतुल्लाह गुरुजी से 300 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। उन्होंने जो श्री गुरु नानक देव जी के बारे में भविष्यवाणी पारशिन में की, उसको मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, बाबर काल में एक फकीर जन्मेंगे और उनका नाम नानक होगा। सारी दुनिया उनको मानेगी, उनकी फकीरी के चर्चे गली गली में होंगे। खास तौर पर पंजाब प्रांत में वे अत्यंत ही प्रसिद्ध होंगे और जो लोग उन्हें मानेंगे वे सिख कहलाएंगे। सिख राष्ट्र लोगों को अत्याचार से त्याग दिलवाएगा। सिख लोग अपना जीवन अल्लाह की राह में और अत्याचार को खत्म करने के लिए नौछावर कर देंगे। लोग क्या कहते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे। सिख राष्ट्र लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलवाएगा और उनका शासन 40 सालों तक चलेगा। इसके पश्चात क्रिश्चियन लोगों के हाथों में शासन आ जाएगा और वो हिंदुस्तान पर राज करेंगे। ईश्वर स्वयं गुरु नानक देव जी के रूप में इस धरती पर जन्मेंगे। उन्हीं के 10वें अवतार अत्याचार को खत्म करेंगे। भाइयों, जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, वह भविष्यवाणी गुरुजी के धरती पर आगमन से 300 साल पहले कर दी गई थी। अब मैं आपको कुराने मजिद में जो सिखी के बारे में भविष्यवाणी की गई है वह बताने जा रहा हूँ। कुराने मस्जिद में लिखी हुई भविष्यवाणी कहती है, तुम लोग अपना मार्ग जब भटकोगे, जब तुम्हारा विश्वास परमात्मा के प्रति कम होगा, तब अल्लाह का एक राष्ट्र बनेगा जो खालिस लोगों का होगा। आप उस राष्ट्र को इस संकेत से जान पाओगे कि वे लोग गैर विश्वासी लोगों को दंड देंगे, उनके लिए कठोर होंगे, और जो ईश्वर को मानेगा उनके लिए वह नरम होंगे। वे लोग अपना जीवन अल्लाह की राह में और अत्याचार को खत्म करने के लिए नौछावर कर देंगे। लोग क्या कहते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे। अल्लाह कहते हैं, मैं उन्हीं पर अपनी कृपा करूंगा जिनसे मैं प्रसन्न होऊंगा। अपने भाषण के तीसरे भाग में मैंने संगत को वह सब बताया जो मैंने मक्का मदीना में देखा और सुना। वहां से मैंने सभी मुस्लिमों को पुकारते हुए कहा, मेरे मुस्लिमों भाइयों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आप कुरान के अलावा अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ोगे तो आप एक अच्छे मुस्लिम बन पाओगे।
मेरा यह भाषण बहुत से लोगों के गले के नीचे नहीं उतरा। शहर के हर एक मुल्ला ने अपना फर्ज समझते हुए मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मेरे खिलाफ लगभग 300 शिकायतें नवाब बहावलपुर के पास दर्ज करवाई गई। अगले दिन एक राज्य के मुस्लिम शासक ने मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का पत्र निकलवा दिया। गुरु पर्व के दिन मुझे, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। अगली सुबह भावलपुर ले जाने के लिए पुलिस मुझे रेलवे स्टेशन लेकर पहुंची। मेरी गिरफ्तारी के विरोध में हजारों सिख सरदार चरण सिंह और सरदार हरनाम सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सिखों और पुलिस का आमना सामना हुआ और सरदार चरण सिंह ने पुलिस से कहा, अगर आप लोगों ने सरदार प्रीतिपाल सिंह या उसके परिवार को यहाँ से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो आज वाहेगुरु जी की सो यहाँ वही आंदोलन होएगा जो पंजा साहिब में हुआ था और यह भावलपुर के लिए काला दिन बनकर रह जाएगा। पुलिस का कप्तान घबरा चुका था। उसने नवाब को फोन मिलाया और कहा, नवाब साहब, अगर आज हमने प्रीतिपाल सिंह या उसके परिवार को यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, शहर में अफरा तफरी मच जाएगी। ठीक है, तुम उसके परिवार को 50,000 की जमानत पर रिहा कर दो और हाँ, उसे यह कहना मत भूलना कि कोर्ट में उसे हाजिर होना पड़ेगा, उसने इस्लाम की बेइज्जती की है। सिख संगत के आशीर्वाद से लोगों ने 50,000 रुपए हाथों हाथ इकट्ठा कर दिए। रुपया इकट्ठा करने के लिए औरतों ने अपने जेवरात तक बेच दिए। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम की कोर्ट में मेरे खिलाफ 2 चार्ज लगाए गए। पहला यह कि मैंने इस्लाम की बेइज्जती की है और दूसरा मैंने इस्लाम धर्म को त्याग कर सिख धर्म अपना लिया है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए मैंने एडीएम साहिब को सारे सबूत दिखाए। एडीएम साहिब बोले, जो सबूत तुमने मुझे दिखाए हैं उन सबूतों के बाद कोई सवाल नहीं उठता। अगर ऊपर से दबाव ना आता तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमे की फाइल को इस कोर्ट से बाहर फेंक देता। जो बात आपने मुझे सीधी सीधी बताई है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं मौलवियों के साथ एक खुली बहस करना चाहता हूँ। ठीक कह रहे हो तुम, सभी लोग अगर आमने सामने होंगे तो फैसला अपने आप ही हो जाएगा। एडीएम साहिब को डिप्टी कमिश्नर ने बहस के लिए आज्ञा दे दी। मौलवियों ने भी बहस को मुकाबला समझते हुए तुरंत उसके लिए हामी भर दी। बहस का दिन तय हो गया। भारी मात्रा में सिख हिंदू मुसलमान लोग बहस को सुनने के लिए पहुँचे। बहस शुरू होते ही मौलवी ने मुझसे कहा, तुम झूठ फैला रहे हो, बोलो तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। मौलवी साहब, मैंने कोर्ट के सामने अपनी बात को सही साबित करने के लिए लगभग 20 सबूत दिए हैं। कोर्ट ने मेरे सबूतों को माना है और आप उन्हीं सबूतों को गलत बता रहे हैं। आपके शब्द कुरान के शब्द नहीं है। अगर आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं तो सबूत दिखाएं। जो बात तुम कह रहे हो वह विज्ञान के अनुसार नहीं हो सकती। काबा कैसे घूम सकता है? मैंने मुस्लिम लोगों की तरफ देखकर कहा, मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं खुश हूँ कि मुझे आज शिया स्कॉलर के साथ वाद विवाद करने का मौका मिला, परंतु मुझे माफ करना, यह मौलवी कुरान और इस्लाम के अनुसार बहस नहीं करना चाहते। ये कुरान को नहीं मानते, विज्ञान को मानते हैं। क्योंकि मौलवी साहब विज्ञान को मानते हैं, मैं विज्ञान को ध्यान में रखकर ही बहस करूँगा। मुझे आशा है आप सभी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। यह वाद विवाद है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करो। मौलवी साहब, आप सही कह रहे हैं, बिना किसी फोर्स या बल के कोई चीज अपनी जगह नहीं बदल सकती, परंतु क्या आप मुझे बताएंगे शेखे कुरान के बारे में आपका क्या विचार है? शेखे कुरान में तो ये साफ साफ लिखा है, मोहम्मद साहिब ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? यह सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। भाइयों, मैं एक सिख हूँ, पर मैं यह बात मानता हूँ कि मोहम्मद साहिब ने चांद के 2 टुकड़े किए होंगे, और दूसरी ओर आपके ये मौलवी हैं जो मुसलमान होकर भी यह नहीं मानते कि जो कुरान में लिखा है वह सही है। जब ये कुरान को सही नहीं मानते तो बाबा नानक का आदर कैसे करेंगे? भीड़ में से एक आदमी ने उस मौलवी से कहा, निकल जाओ तुम यहाँ से, तुम वाद विवाद नहीं कर सकते। वाद विवाद खत्म हो गया।
एडीएम साहिब ने अगला दिन फिर बहस के लिए रखा। अगले दिन दूसरे मौलवी आए। मेरे सिख भाई, मैं यह मान लेता हूँ बाबा नानक ने काबा को घुमाया, पर अगर यह बात सच होती, अगर यह बात सही होती, आज सभी मुस्लिम नई दिशा में अल्लाह का सजदा करते, परंतु जिस दिशा में लोग सदियों से सजदा करते जा रहे हैं, आज भी उसी दिशा में सजदा करते हैं, इसलिए यह बात कहना गलत होगा कि काबा कभी अपनी जगह से घूमा था। मौलवी साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बात को कबूल किया कि काबा गुरुजी के चारों ओर घूमा था, परंतु आपका दूसरा तर्क मैं नहीं मानता, क्योंकि जब मुल्ला के द्वारा गुरुजी के पांवों को घुमाने के कारण काबा घूमा था, तो मुल्ला जी ने गुरुजी के पांवों को वहीं रखा था जहां से उसने घुमाना शुरू किया था, इस कारण काबा की दिशा बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं यह कहता कि मुल्ला जी गुरुजी के पांवों को घसीटते हुए 40 किलोमीटर दूर ले गए तो काबा की दिशा बदलती, जो कि मैंने नहीं कहा। मुझे लगता है कि तुम सिख धर्म के बड़े ज्ञानी हो, इसलिए मुझे बताओ बाबा नानक के परदादा का नाम क्या था। मुल्ला जी, आपका सवाल सही नहीं है। मुस्लिम मोहम्मद साहिब को मानते हैं, ना कि उनके पूर्वजों को, इसलिए सिख भी सिर्फ बाबा नानक का ध्यान करते हैं, उनके रिश्तेदारों का नहीं। हमें उनके परदादा से कोई वास्ता नहीं है, हमारे लिए तो श्री नानक ही सब कुछ है। मेरे यह तर्क सुनकर मौलवी के पास विवाह छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वे वहां से चले गए और सिखों ने जीत के जयकारे लगाने शुरू किए। जो बरे सो निहाल, सत श्री अकाल, भाई गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परंतु बहावलपुर के मुस्लिम मेरी गिरफ्तारी के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। मार्च 20 के दिन कोर्ट का फैसला आना था। दूर दूर से सिख फैसला सुनने के लिए पहुंचे। सरदार शेर अमीर सिंह की खबर के अनुसार फैसला हमारी तरफ आने की संभावना नहीं थी, परंतु सारी संगत गुरु ग्रंथ साहिब का यह जाप करती हुई जा रही थी, मेरे गुरु मेरे हमेशा साथ है, मेरे अंग संग है, मैं उस परमात्मा का सदा ध्यान रखता हूँ, उसे अपने दिल में बसाए रखता हूँ। सुबह 11 बज रहे थे। मैंने दशम पिता को ध्यान में रखकर अरदास की। ओ मेरे पिता, तुम्हारे बच्चे ने अभी अभी अमृत चखा है, आपने मेरे जिन केशों को अपना आशीर्वाद दिया है, जेल में उनका अनादर मत होने देना। ओ मेरे दशम पिता, मेरी रक्षा करना ताकि मैं पंथ की सेवा कर सकूं और आपके चरणों में सदा रह सकूं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे जज की टेबल से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। मुझे आभास हुआ कि मानो दशम पिता अपने घोड़े पर जज की ओर अपना तीर किए हुए हैं। जज ने अपना फैसला पढ़कर सुनाया। तुमने एक बेहद ही संगीन अपराध किया है, परंतु जनाब हजरत मौला जनाब नवाब साहिब बहादुर तुम्हारे पर दया करते हुए तुम्हें माफ कर रहे हैं। तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम 24 घंटे के अंदर इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। केस नंबर 324/13 मार्च 20, 1935 रहीम यार खान। जैसे ही फैसला हमारे पक्ष में आया, सिख संगत ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। जो बरे सो निहाल, सत श्री अकाल, भाई गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सिख संगत गुरुद्वारा पहुंची और गुरुजी को धन्यवाद किया, परंतु अभी भी मेरी मुसीबतें कम नहीं हुई थी। सैयद प्रतिपाल सिंह जी, जिन्होंने ताजुद्दीन डायरी को मदीना की लाइब्रेरी से ढूंढा था, यह भाग उन्हीं को समर्पित है। हुक्म के अनुसार सैयद प्रीतपाल सिंह जी और उनके परिवार ने शहर को 24 घंटों के अंदर ही छोड़ दिया। सरदार हरचरण सिंह रेलवे स्टेशन के इंचार्ज थे। उनकी बीवी का नाम बीबी मोहन कौर था। उन लोगों ने सैयद प्रतिपाल सिंह जी व उनके परिवार को समासत्ता कस्बा, जो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां रहने का आग्रह किया। सरदार हरचरण सिंह व उनकी पत्नी, जो राजा रंजीत सिंह के खानदान से थी, उन्होंने वहां एक शानदार गुरुद्वारा बना रखा था।
बीबी मोहन कौर ने सैयद प्रतिपाल सिंह को उनकी गुरुद्वारे का ग्रंथी बना दिया। सिख संगत के प्यार व आशीर्वाद से सैयद प्रतिपाल सिंह जी गुरुद्वारे में गुरबानी पाठ सीखने लगे। गुरुजी के आशीर्वाद से एक महीने के अंदर ही सैयद प्रतिपाल सिंह अखंड पाठ करने लगे। एक दिन सैयद प्रतिपाल सिंह जी रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे थे। अमर सिंह नामक पुलिस ऑफिसर ने सैयद प्रतिपाल सिंह जी को देख लिया। उस पुलिस वाले ने बहावलपुर में एक कंप्लेन रजिस्टर करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि सैयद प्रतिपाल सिंह जी ने हुक्म नहीं माना और हुक्म के अनुसार शहर नहीं छोड़ा और वह गुरुद्वारे में ग्रंथी बन गया है। शाम के समय मजिस्ट्रेट और पुलिस के लोग सैयद प्रतिपाल सिंह जी को अरेस्ट करने आए, परंतु बीबी जी ने उन लोगों को खाने पीने में व्यस्त करकर सैयद प्रतिपाल सिंह जी और उनके परिवार को रेल से मुल्तान भेज दिया। अगली सुबह जब पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला और वह बीबी जी की वजह से सुरक्षित मुल्तान पहुँच गए। कुछ दिनों बाद बीबी जी मुल्तान आई और उन्होंने प्रतिपाल सिंह जी को उनका सामान सौंप दिया। सैयद प्रतिपाल सिंह जी मुल्तान के गुरुद्वारे में ठहरे। सिंह साबा जी ने घोषणा की, सैयद परिवार का पुत्र जो अब सिख बन गया है वह गुरुद्वारे में दो शब्द कहेगा। यह बात वहां के मुसलमानों को अखर गई और उन्होंने गुरुद्वारा कमेटी को कहा, सभी कान खोल के सुन ले, अगर सैयद प्रतिपाल सिंह को आप लोगों ने हमारे हवाले नहीं किया तो हम गुरुद्वारे में आग लगा देंगे। सैयद प्रतिपाल सिंह जी को ओकारा में पुलिस प्रोटेक्शन में भेज दिया गया, जहां उन्होंने सिख समुदाय को भाषण दिया, परंतु पुलिस ने उन पर झूठे आरोप लगाए जिसकी वजह से उनके खिलाफ वहाँ भी वारंट निकल गया। ओकारा में सिखों का दबदबा था। डॉक्टर सरदारा सिंह ने वारंट कैंसिल करवाया और उन्हें चक कस्बे के गुरुद्वारे में भेज दिया। शहीदगंज गुरुद्वारे के ऊपर मुसलमानों ने अपना अधिकार जमाया हुआ था और इसके लिए कोर्ट में सिख और मुस्लिम मुकदमा लड़ रहे थे। मुस्लिमों ने जो कागजात कोर्ट में जमा करा रखे थे वह सभी अरेबिक में थे, जिसकी वजह से सिख समुदाय को केस में बहुत भारी दिक्कत हो रही थी। एसजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी यानी गुरमुख सिंह मुसाफिर ने सैयद प्रतिपाल सिंह जी से इस विषय पर मदद मांगी। सैयद प्रतिपाल सिंह जी ने अरेबिक ट्रांसलेशन की और केस के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करवाए, जिसकी वजह से मुस्लिमों द्वारा जमा किए गए अरेबिक कागजातों को जज साहब ने फाड़ के फेंक दिया और यह बात मुस्लिमों को बर्दाश्त नहीं हुई और प्रतिपाल सिंह जी की कोर्ट के बाहर हत्या कराने का प्रयास किया गया, परंतु उसका कोई क्या बिगाड़ेगा जिसके ऊपर वाहे गुरु का हाथ हो। इसके पश्चात जब सैयद प्रतिपाल सिंह गुरुद्वारा जोगा सिंह पेशावर में थे, वहां उन पर हत्या का प्रयास हुआ। कोटा के पठानों ने उन्हें गोली मारने की कोशिश की। जब सैयद प्रतिपाल सिंह जी को पंजाब वापस जाना था तो उनके लिए सिखों ने अंग रक्षकों का प्रबंध किया। पंजाब से सैयद प्रतिपाल सिंह जी कानपुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5,000 सिखों को खालसा बनाया। एसजीपीसी ने उनको भारत से बाहर सिख धर्म के प्रचार के लिए चुना, ताकि वह दुनिया में सिख धर्म एवं गुरबानी को दूर दूर तक पहुंचा सकें।